गुड इवनिंग टू यू ऑल। अगले 5-6 दिन हम लोग करेंट सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं, और करेंट सेक्शन में जो हमारे अप्रोचेज होते बड़े क्लियर कट होते हैं। सारी चीजें नहीं करवाई जा सकती, ये एक हार्श रियलिटी है। तो एटलीस्ट यहां पर हमारी कोशिश होती है कि इतनी चीजें आपको उपलब्ध करवा दी जाएं जो वैल्यू एडिशन में काम कर सके। जैसे इस बार के लिए मैंने जिन टॉपिकों को आइडेंटिफाई किया, 4 टॉपिक में पिक करने जा रहा है केवल करेंट में, आईआर में। और एक बार मेंस वाला एग्जाम समाप्त हो जाए तो चूंकि अभी हमारे पास लंबा स्पेन है, लंबा समय है, तो आइदर सैटरडे और संडे के दिन फिक्स टाइम और फिक्स समय पर हम करेंट की क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग इस बार दे रहे हैं वो भी मेंस के बाद उसमें कंटिन्यू करें, मेरी सलाह होगी। और जो अगले बार के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको तो सलाह है ही। आईआर करेंट में 4 टॉपिक जिसको मैं पिक करने जा रहा, पहला टॉपिक हमारा है वह है इमर्जेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन इंडिया। नई वैश्विक व्यवस्था का आविर्भाव और भारत। दूसरा टॉप जो हम पिक करने जा रहे हैं वह दूसरा टॉपिक है इंडो पैसिफिक एंड इंडिया। तीसरा टॉपिक जो हम पिक करने जा रहे हैं मिडल ईस्ट एंड इंडिया। और चौथा टॉपिक जो हम पिक करने जा रहे हैं वो चौथा टॉपिक हमारा है साउथ एशिया एंड इंडिया। मुझे लगता है अगर इन 4 टॉपिक को अगर हम प्रॉपरली कवर कर लें तो कम से कम आईआर वाले पार्ट प्रॉपरली कवर्ड हो जाने चाहिए सारी चीजें। क्या इसके बाहर से नहीं रहना चाहिए? कंडीशन एक ही है, अगर यूएनएसएसडीएन टाइप के प्रश्न पूछ दिए जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट टाइप के प्रश्न पूछ दिए जाए, तो हमारी यह कोशिश है आपके साथ कि टेस्ट सीरीज के पेपर को जहां तक संभव हो सके हम उसको सप्लीमेंट के रूप में यूज करें। क्लास में जिन चीजों को करवा दिया है और जिन चीजों को हम क्लास में नहीं करवा पाए हैं उसको वहां से हम कंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। और हमारी कोशिश होगी कि लास्ट तक जो है टेस्ट सीरीज में कम से कम जितनी चीजें डाली गई हैं उसको आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। मैं नहीं कह सकता कि आप चीजों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, पर इन चीजों को मैं गंभीरता से ले रहा। एक दुविधा आपकी होगी
कि मैं कह रहा हूं कि मैं इन्हीं चार टॉपिक को करवाऊंगा और इससे कैसे चीजें कवर हो जाएंगे। इनमें अगर मुझसे पूछे तो यह सेक्शन जो है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला सेक्शन जो है, और मेरे ख्याल से आजकल दो दिन इस सेक्शन में हम समय देंगे। यहां पर अगर आप आकर के देखें, पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वह है यूएन रिफॉर्म। संयुक्त राष्ट्र सुधार, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो यहां पर महत्वपूर्ण आपके लिए है, G20 एंड इंडिया। तीसरा टॉपिक जो यहां पर महत्वपूर्ण है वह है ग्लोबल साउथ समिट 2023। चौथा टॉपिक जो यहां पर महत्वपूर्ण है ठीक है, वह चौथा टॉपिक महत्वपूर्ण है यूक्रेन क्राइसिस। और यूक्रेन क्राइसिस के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, यूएसए, एंड यूरोपियन कंट्रीज वर्सेस रसिया प्लस चाइना, और जब इन्हीं टॉपिकों को आप कर रहे होंगे तो दो टॉपिक और इमर्ज करेंगे। वे क्या इमर्ज करेंगे? एनर्जी सिक्योरिटी जब इन्हें टॉपिकों को आप करेंगे तो टॉपिक इमर्ज करेंगे फूड सिक्योरिटी, और जब इन्हें टॉपिकों को आप कवर करेंगे तो एक और टॉपिक इमर्ज करेगा क्लाइमेटिक चेंजेज। इतनी चीजें यहां पर हमें कवर करनी है ठीक है। तो पहले टॉपिक से मैं पिक करता, पहला टॉपिक जो इमर्ज करता है वह यह, जब हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते जब हम वैश्विक व्यवस्था की बात करते हैं तो वैश्विक व्यवस्था के कंटेक्स्ट में देखें तो ऑटोमेटिकली जो बात उठती है, वैश्विक व्यवस्था की जब हम बात करते तो ऑटोमेटिकली जो बात उभर करके सामने आती है पुरानी वैश्विक व्यवस्था। जब वैश्विक व्यवस्था की बात उठती है, जब तक पुरानी वैश्विक व्यवस्था से आप परिचित नहीं होंगे, नई वैश्विक व्यवस्था से आप परिचित नहीं होंगे। नई वैश्विक व्यवस्था नहीं, और अगर यहीं से आप आगे बढ़ें
तो नई वैश्विक व्यवस्था की बात करते करते हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे, ठीक है। एक बार फिर से ग्लोबल ऑर्डर जो है वह ट्रांजिशनल फेज में पहुंच चुका है। और ग्लोबल ऑर्डर के ट्रांजिशनल फेज की जो मैं बात कर रहा, तो ट्रांजिशनल फेज की बात कर रहा हूं तो दो कंटेक्स्ट में, एक लास्ट डिकेड के कंटेक्स्ट में, ठीक है। दूसरी अगर ट्रांजिशनल फेज की बात कर रहा हूं तो इमर्जिंग इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में। बेसिकली अगर आप जाकर के देखें, जब वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते तो पुरानी वैश्विक व्यवस्था, पुरानी वैश्विक व्यवस्था जो इमर्ज करती है उसकी पृष्ठभूमि क्या है उसके इमर्जेंस की, तो पुरानी वैश्विक व्यवस्था के इमर्जेंस की पृष्ठभूमि है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो सिनारियो है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के सिनारियो में अगर आप जाकर के देखें तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में हम बात करें, अगर पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में हम बात करें तो पहली चीज आप देखेंगे यूएनओ की स्थापना होती है। और उसकी संरचना एवं क्रिया प्रणाली पर आप नजर दौड़ाएं, अगर उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शनिंग की आप बात करें तो यहां पर दो चीजों की दिशा में संकेत करना चाहूंगा। नंबर वन, अगर आप देखें तो यूएन जनरल असेंबली की तुलना में अहमियत किसको ज्यादा मिली है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अहमियत। जबकि अगर आप देखें यूएन जनरल असेंबली को देखें तो उसका स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग कहीं ज्यादा डेमोक्रेटिक है। संयुक्त राष्ट्र के सारे सदस्य देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य होते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं तो वहां पर अगर आप जाकर के देखें तो वन नेशन वन वोट का कंसेप्ट, वन कंट्री वन वोट का कंसेप्ट वहां पर काम करता नहीं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते वो जो है मेजोरिटी ऑफ वोट के कंटेक्स्ट में निर्णय लिए जाते। जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वह डेमोक्रेटिक की बजाय जो है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना को अगर आप देखें तो वर्तमान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल मिलाकर के 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अगर आप देखें तो महज वहां पर 15 सदस्य होते हैं और उसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो उनके 5 सदस्य जो है जहां एक कंट्री के रूप में खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो अस्थाई सदस्य होते हैं वे अस्थाई सदस्य किसको रिप्रेजेंट करते? वे अस्थाई सदस्य जो है कहीं ना कहीं अपने रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप नेचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन में देखें
तो नेचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो दो तरह का है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। वहां पर अगर भारत को देखे, भारत अगर अस्थायी सदस्य रहा तो उसने केवल अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, एक कंट्री से अधिक हुआ एशियन कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता हुआ आ रहा है। तो एक तो यह व्यावहारिक समस्या है। दूसरी समस्या जो उभर करके आती है क्रिया प्रणाली को लेकर, तो अहमियत किसको मिलनी चाहिए, डेमोक्रेसी का क्या तकाजा है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेटिक एथिक्स का तकाजा क्या है। जो अधिक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जो इंक्लूसिव बॉडी है यूएनजीओ, उसको अधिक महत्व मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर हो रहा है ठीक उल्टा। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो दूसरी समस्या यहां पर क्या इमर्ज करती है, तो दूसरी समस्या अगर आप जाकर के देखें तो जो जिस समस्या को आप इमर्ज करते देखेंगे वह यह कि यहां पर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी वीटो राइट्स की संकल्पना है। और वीटो राइट की पूरी संकल्पना ही अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि अगर यहां पर देखें कई तरीके से उसके अनडेमोक्रेटिक होने की बात कर सकते, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये वीटो राइट किन किन देशों को प्राप्त है जरा जाकर के देखें, यूएसए, दूसरा कंट्री क्या है, रशिया, तीसरा कंट्री क्या है, फ्रांस, चौथा कंट्री क्या है, ब्रिटेन, पांचवा कंट्री क्या है, जापान। भूत खिलाते हैं क्या, हाँ नहीं, अब अगर यहां पर जाकर के देखें एक अनडेमोक्रेटिक क्यों है, इस चीज को समझे, तो अगर 10 अस्थायी सदस्य और 4 अस्थायी सदस्य जिनको वीटो का अधिकार प्राप्त है, अगर वे किसी प्रस्ताव से सहमत हैं और कोई एक वीटो राइट प्राप्त देश नहीं चाहता है कि इस प्रस्ताव को अप्रूवल मिले, तो उसी स्थिति में वह अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करेगा और उसका वीटो जो है वह पूरे के पूरे प्रपोजल को डंप करने के लिए काफी होगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें, अगर आपने ग्लोबल साउथ समिट को फॉलो किया होगा तो ग्लोबल साउथ समिट में प्रधानमंत्री का समापन सत्र में जो स्पीच रहा है, उस स्पीच को अगर आप माइन्यूटली पढ़ें तो उन्होंने एक मांग जोरदार तरीके से उठाई है ग्लोबल साउथ के पक्ष में, और उन्होंने कहा है जो वैश्विक संस्थाएं हैं, वैश्विक संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण किया जाना चाहिए। जब तक वैश्विक संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण नहीं किया जाता, जब तक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, तब तक ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को डिफेंड करना मुश्किल होगा। और अगर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग को डेमोक्रेटाइज किया जाना है, तो इसके लिए ग्लोबल साउथ जो है, ग्लोबल साउथ को आपसी सहमति बनानी होगी और आपसी सहमति से काम करना होगा। जब तक वे इस मसले पर एकमत नहीं होते और एकमत होकर के इंटरनेशनल कम्युनिटी पर प्रेशर नहीं बिल्डअप करते, तब तक वह डेमोक्रेटाइजेशन संभव नहीं होगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब अगर इसकी कंटेक्स्ट में जाकर के देखें
इसके कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो एक तो कंटेक्स्ट वीटो राइट के कंटेक्स्ट में बात की मैंने, दूसरा हमने कहा कि अगर इसको देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ड्यूअल दोहरी सदस्यता वाली स्थिति है। सदस्य यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं उनके साथ जो है डबल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट आपको दिखाई पड़ेगा, दोहरा व्यवहार दिखाई पड़ेगा, वीटो नॉन वीटो का डिफ्रेंसिएशन दिखाई पड़ेगा वहां पर। यह दूसरी बड़ी समस्या उभर करके आती। तीसरी समस्या इसकी फंक्शनिंग को लेकर के उभर कर आती। चौथा कंटेक्स्ट अगर देखें तो क्या यह रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है क्या? अगर यहां पर आकर के देखें तो अमेरिका जहां नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पर रसिया, फ्रांस और ब्रिटेन किसको रिप्रेजेंट करता? यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप चाइना को देखें तो चाइना किसको रिप्रेजेंट करता है? तो चाइना अकेला ऐसा देश है जो एशिया को रिप्रेजेंट करता है। अब गौर अगर आप यहां पर करें, लैटिन अमेरिका का देखें सिक्योरिटी काउंसिल में किसी प्रकार का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अफ्रीकन कंटिनेंट का अगर आप जाकर के देखें तो कोई रिप्रेजेंटेशन यहां पर नहीं मिलेगा, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो एक तो इम्बैलेंसेज, रीजनल इम्बैलेंसेज आपको दिखाई पड़ेगा यहां पर, अनरिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इसका सामने आता एक इस कंटेक्स्ट में। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो दूसरा कंटेक्स्ट यह उभर करके सामने आता है ज्योग्राफिकल एरिया के भी पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वह रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में सामने नहीं आती। सिक्योरिटी काउंसिल का नेचर और कैरेक्टर जो है वह रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखाई पड़ता। और पॉपुलेशन वाइज भी अगर आप जाकर के देखें तो जिस एशिया कंटिनेंट की आबादी सबसे ज्यादा है उस एशिया कंटिनेंट से केवल एक रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूरोपियन कंटिनेंट को देखें तो यूरोपियन कंटिनेंट से तीन तीन आपको रिप्रेजेंटेटिव दिखाई पड़ेंगे। और हाथ चलाते रहिएगा, ये अगर प्रतीक्षा कीजिएगा कि मैं लिखवाऊंगा तो अंत में मैं भी सत्यनारायण भगवान की जय कह दूंगा, समझे? आजकल जय वाला ही माहौल है। नाउ कम टू द पॉइंट, अगला बिंदु अगर आप यहां पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो आप यहां पर देखें, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिवनेस को हम कई स्तरों पर देखेंगे ना। आज अगर आप जाकर के देखें ग्लोबली कंट्रीज का जो डिवीजन किया, क्लासिफिकेशन किया जाता है, किस रूप में क्लासिफिकेशन किया जाता? तो एडवांस कंट्री के रूप में क्लासिफिकेशन किया जाता, डेवलपिंग कंट्री के रूप में क्लासिफिकेशन किया जाता और लिस्ट डेवलप्ड कंट्री के रूप में क्लासिफिकेशन किया जाता, विकसित देश, विकासशील देश और अपेक्षाकृत मतलब अल्प विकसित देश, ये तीन कैटेगरी है। अब इनमें अगर आप देखें तो जो विकसित देश है, विकसित देशों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व तो यहां पर मिला है, अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये चारों के चारों देश डेवलप्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। चाइना के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो चाइना डेवलपिंग कंट्री को रिप्रेजेंट करता। और अगर आज के कंटेक्स्ट में बात करें तो मुझे लगता है चाइना को डेवलपिंग कंट्री की संज्ञा देना जो है कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्री का मजाक उड़ाना है, क्योंकि आज के कंटेक्स्ट में देखें तो अमेरिकन इकोनॉमी के बाद अगर किसी इकोनॉमी के फाउंडेशन सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो कौन है? चाइनीज इकोनॉमी। और वो इतने मजबूत हैं
कि चाइना अपने उस सॉलिड इकोनॉमिक फाउंडेशन की बदौलत जो है ग्लोबल पावर के रूप में अमेरिका अमेरिकन डोमिनेंस जो है वह उस डोमिनेंस को लगातार चुनौती दे पाने की स्थिति में नहीं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह कई कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो यह अनरिप्रेजेंटेटिव प्रतीत होता और इसका अनरिप्रेजेंटेटिवनेस जो है वह कहीं ना कहीं इसके डेमोक्रेटिक नेचर कैरेक्टर की और फंक्शनिंग की एक महत्वपूर्ण सीमा बनकर आता है। तो यह तो बात हमने इसके कंटेक्स्ट में की, यूनिक के कंटेक्स्ट में की। सेकेंड वन अगर आप मूव करें तो दूसरा टर्म है वह क्या है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था 1944-45 नहीं। और यहां पर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था इसके एक्सटेंडेड फॉर्म की बात मैं कर रहा हूं। इसके एक्सटेंडेड फॉर्म की बात कर रहा, उसके विस्तारित रूप की बात कर रहा। अगर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था में अगर आप जाकर के देखें तो क्या स्थिति दिखाई पड़ती, तीन चीजों की बात करूंगा, आईएमएफ की बात करूंगा, वर्ल्ड बैंक की बात करूंगा और तीसरा गैट, जिस गैट ने आईटीओ का स्थान लिया उसकी बात करूंगा। नहीं अब अगर यहां पर जाकर के देखें ये तीनों चीजें जिनमें दो आज एग्जिस्ट कर रहा है, गैट को आप देखेंगे 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ के द्वारा रिप्लेस किया गया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों को अगर देखें तो इन दोनों का अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर भी है, नेचर और कैरेक्टर भी है और उनकी फंक्शनिंग भी अनडेमोक्रेटिक है। किस कंटेक्स में अनडेमोक्रेटिक नेचर और कैरेक्टर है और किस कंटेक्स में यह इसकी फंक्शनिंग जो है वह अनडेमोक्रेटिक है। तो बेसिकली देखें आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ से उम्मीद की गई कि यह ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करेगा और वर्ल्ड बैंक से उम्मीद क्या की गई, वर्ल्ड बैंक से ग्लोबल इकोनॉमी के रेगुलेशन की उम्मीद की गई, यह उम्मीद की गई कि यह फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। अब अगर इसके कंटेक्स में जाकर के देखें ठीक है तो चाहे आईएमएफ की बात करें चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें, ये दोनों अमेरिकी और यूरोपीय वर्चस्व को सुनिश्चित करने वाली संस्थाएं हैं। किस कंटेक्स्ट में यह अमेरिकी और यूरोपीय वर्चस्व को सुनिश्चित करने वाली संस्थाएं हैं, दो कंटेक्स्ट में यह अमेरिकी और यूरोपीय वर्चस्व को सुनिश्चित करने वाली संस्थाएं, नंबर वन ठीक है, इनमें देखें अगर तो इनमें सदस्य देशों के वोटों को जो अहमियत दी गई है वो किसके कंटेक्स्ट में, वन नेशन वन वोट का कंसेप्ट, वन कंट्री वन वोट के कंसेप्ट पर यह फंक्शन नहीं करता। मेंबर कंट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन के आलोक में इनके वोट के वेटेज को निर्धारित किया गया। मतलब एक सिंपल उदाहरण के रूप में समझाने के लिए कहूं कि अगर कोई आईएमएफ के बजट में 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई देश, तो आईएमएफ
में विभिन्न मसलों पर जो वोटिंग होगी, जब वह एक वोट देगा तो उसका वेटेज 25% होगा। जिसका जितना अंशदान उसके वोट का उतना वेटेज, जिसका जितना कम अंशदान उसके वोट का उतना कम वेटेज। यह एक बड़ी समस्या है इसकी। नहीं? और ऑटोमेटिकली अगर आप जाकर के देखें तो अंशदान किसका ज्यादा होगा? जो एडवांस कंट्री जो होंगे, नहीं, जो विकसित देश हैं, जो ओईसीडी कंट्री हैं, निश्चित तौर पर उनका अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का अंशदान ज्यादा है। और अगर अंशदान ज्यादा है तो उनके वोटिंग वेटेज भी क्या होंगे कंपैरेटिवली यहां पर ज्यादा होंगे। तो एक तो यह समस्या है। दूसरी समस्या जो है, मतलब इनिशियली ये नॉर्म्स था, जिस नॉर्म्स को 2011 में आके चेंज किया गया। इनिशियल नॉर्म्स क्या था कि आईएमएफ का प्रेसिडेंट जो है शैलेश कोई टेक्नीशियन नहीं है जिसके पास इसकी समझ हो, क्योंकि लगातार तलाश रहा हूं और इस समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। एक बार थोड़ा सा देखिएगा ना अगर कोई हो, ठीक है। और दिक्कत क्या है जानते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, सुबह क्लासेस ठीक चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे काम करना ये बंद कर देता है। ये एक व्यावहारिक समस्या आ रही है, समझे। कल भी टेक्नीशियन आकर के देख करके लौट के गया। अच्छा, कोई आता है देखने के लिए तब सब ठीक काम करता है। मतलब पता नहीं, भूत वूत तो नहीं मानता हूं मैं, नहीं? समझे। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो जो बातें मैं कह रहा था, इनिशियली ये था कि आईएमएफ का चीफ जब भी होगा तो कोई यूरोपियन ही होगा, और वर्ल्ड बैंक का चीफ जब भी होगा तो कोई अमेरिकन ही होगा। और ताज्जुब की बात यह है कि 2011 में अगर आप जाकर के देखें तो इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, लेकिन इस अनिवार्यता को समाप्त करने के बावजूद आज भी, आज तक अगर आप देखें तो आईएमएफ का कोई चीफ या नॉन यूरोपियन नहीं बना है, और वर्ल्ड बैंक का कोई चीफ जो है नॉन अमेरिकन नहीं बना है, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब इसकी बात कर रहे थे, एक और बिंदु मैं एड ऑन करना चाहूंगा। गैट के कंटेक्स्ट में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक गैट एग्जिस्ट किया, इसने कहीं ना कहीं डेवलप्ड इकोनॉमी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश की, और डेवलप्ड इकोनॉमी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए इसने जो है कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट को ओवरलुक किया। अगर उसके मेंबर थे भी तो उसने अपने टर्म एंड कंडीशन को उन पर थोपने का काम किया। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो एक और बिंदु की ओर मैं इशारा करना चाहूंगा, वह क्या है। जब आप ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते, नहीं, तो उसमें आपको ध्यान, एक और चीज ध्यान में रखनी होती है, अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में डॉलर का वर्चस्व, डॉलर को मान्यता, और यह मान्यता क्या करती है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। यह मान्यता जो है वह नॉर्मली और नेचुरली क्या करती है, तो यह मान्यता नॉर्मली और नेचुरली ग्लोबल इकोनॉमी पर अमेरिकन डोमिनेंस को इंश्योर करती है, अमेरिकी वर्चस्व को सुनिश्चित करने में सहायक, और इंटरनेशनल करेंसी के रूप में डॉलर को जो ग्लोबल अप्रूवल मिला हुआ है, इसके कारण अमेरिकन इकोनॉमी को
कई बार अमेरिकन इकोनॉमी नेचुरल एडवांटेज की स्थिति में रहती है। जैसे एक छोटी सी चीज आप देखें, एक एग्जांपल के जरिए बात समझाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो यूक्रेन क्राइसिस हुआ नहीं, और यूक्रेन क्राइसिस के बैकग्राउंड में अगर आप जाकर के देखें तो इसने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौतियां उत्पन्न की, सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया, और अल्टीमेटली अगर आप जाकर के देखें तो तीन मदों में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़े। प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है, जो जनवरी 2023 में संपन्न हुई है, उसमें जो ग्लोबल साउथ के नेताओं को संबोधित किया है उस समिट में, उसमें उन्होंने इस प्रश्न को उठाया। उन्होंने यह कहा है कि करेंटली ग्लोबल इकोनॉमी जिन चैलेंजेज का सामना कर रही है, उन चैलेंजेज में थ्री एप्स हैं। ठीक है, बहुत दिन के बाद फिर थ्री एप्स आया, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। थ्री एफ क्राइसिस, फूड क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस और फर्टिलाइजर क्राइसिस। और इन तीनों के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इन तीनों के कंटेक्स्ट में सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता, सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने के कारण अगर आप देखें तो डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस बिगड़ता है, और डिमांड और सप्लाई का वह बैलेंस क्या करता, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को बिल्डअप करता हुआ आता, नहीं मुद्रा अस्फीति के दबाव को क्या करता है, निर्मित करता हुआ आता। और जब मुद्रा अस्फीति के दबाव निर्मित होता है तो उसके कारण अगर आप जाकर के देखें तो सबसे अधिक परेशानियां किसको सहनी पड़ रही है, सारी अर्थव्यवस्थाएं जो है उन परेशानियों का सामना कर रही है। लेकिन अगर आप देखें तो सबसे अधिक परेशानियां जो हैं वो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सहना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बढ़ने का मतलब है कि आपको स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी की दिशा में पहल करनी होगी, कठोर मौद्रिक नीतियों के सहारे आपको मुद्रा के प्रसार पर अंकुश लगाना होगा, मुद्रा के प्रसार पर अंकुश लगाते हुए डिमांड को चेक करना होगा, और डिमांड को चेक करते हुए डिमांड एंड सप्लाई की के बैलेंस के रिवाइवल को इंश्योर करना होगा। और अगर ऐसा किया जाता है, कठोर मौद्रिक नीति का सहारा लिया जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसका एडवर्स इंपैक्ट स्वाभाविक तौर पर किस पर पड़ेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर पड़ेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वहां पर सीधे सीधे प्रभावित होगी। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी में जो स्लो डाउन की स्थितियां पैदा हुई हैं वो किसके कारण पैदा हुई है, तो इन्हीं चीजों के कारण। ठीक है, और इसके कारण सबसे अधिक परेशानी बढ़ रही है किनकी, ग्लोबल साउथ की, जो विकासशील देश है उनकी परेशानियों को बढ़ते हुए देखा जा सकता, विकासशील देशों के परेशानियों को महसूस किया जा सकता। लेकिन अगर आप देखें तो यूक्रेन क्राइसिस जो है वह अमेरिका के लिए राहत की खबर है या परेशानी की खबर है, अमेरिकन अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर बनकर के आती। और क्यों राहत की खबर बनकर के आती, क्योंकि दुनिया, पूरी दुनिया आपस में जितनी मारकाट करेगी नहीं, अमेरिकन डिफेंस मार्केट के बूम के लिए वह उतना ही फेवरेबल कंडीशन होगा। तो आज अगर आप देखें इस सिचुएशन के बाद एक बार फिर से अमेरिकन डिफेंस मार्केट में बूम की स्थिति दिखाई पड़ती तो उसको, उससे सपोर्ट मिल रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी आसान हो रही। लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि इंटरनेशनल करेंसी के रूप में डॉलर मजबूत स्थिति में है, और इस सिचुएशन ने जो है, इस सिचुएशन ने क्या किया, इस सिचुएशन ने डॉलर को जो है और अधिक मजबूत बनाया है, तो इसके भी बेनिफिट ऑटोमेटिकली किसको मिल रहे हैं,
अमेरिका को मिल रहे हैं। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर कुछ और चीजों की दिशा में मैं संकेत करना चाहूंगा। बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो पुरानी वैश्विक व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं, पुरानी वैश्विक व्यवस्था की जब हम चर्चा कर रहे हैं नहीं तो इसको हम कह सकते हैं प्री 1990s फेज। नहीं अब कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है उसी तरह लेफ्ट में ले जाकर के लिखे जैसे मैं लिख रहा हूं, समझे। तो अगर इस फेज में जाकर के देखें तो ग्लोबलाइजेशन के पहले की स्थिति, अगर इस फेज में जाकर के देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी पर किसका वर्चस्व दिखाई पड़ेगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर देखें तो वैश्विक व्यवस्था अर्थव्यवस्था जो है अगर आप देखें तो उसके केंद्र में यूएसए है, यूरोपियन इकोनॉमी है, जापान है, इन तीनों का डोमिनेंस आपको दिखाई पड़ेगा। नहीं और अगर आप इसको कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वह क्या है, पश्चिम केंद्रित है। वेस्टर्न यूरोप सेंट्रिक, अमेरिका और जापान को जोड़ दें, अर्थात वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं पश्चिमी देश जापान के साथ मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की स्थिति में, और इसके लिए इन्होंने 1976 में क्या किया, 1976 में G7 का गठन किया। G7 का गठन किया जाता है, ठीक है। और अगर आप देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का नियमन, संचालन और प्रबंधन यह उसमें G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं की अहम और निर्णायक भूमिका होती। बाद में जाकर के देखें तो यह G7 का कॉन्सेप्ट जो है G7+1, यह प्लस वन क्या है, रसिया नहीं, G8 का फॉर्म धारण करता। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम यह कह सकते हैं कि G7 या G8 भी ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है जो अपने स्वरूप में अनडेमोक्रेटिक है, जो अपने स्वरूप में अलोकतांत्रिक है। बातें यहां तक स्पष्ट हुई? तो यह जो वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है अगर आप जाकर के देखें तो इस वर्ल्ड ऑर्डर के प्रति रिएक्शन क्या होता, क्योंकि यहां पर इस चीज को ध्यान में रखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड जो है जो किया गया, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, ये क्लासिफिकेशन किया गया था माओ के द्वारा, माओ से तुंग के द्वारा। फर्स्ट वर्ल्ड उन्होंने कहा था
अमेरिका और यूरोपीय देशों को जो पूंजीवादी आर्थिक मॉडल को फॉलो कर रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड की संज्ञा दी गई यूएसएसआर के नेतृत्व वाले साम्यवादी गुट को, और थर्ड वर्ल्ड कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, ठीक है, और थर्ड वर्ल्ड की संज्ञा दी गई किनको, मतलब उन नव स्वतंत्र देशों को जो कभी औपनिवेशिक गुलामी के शिकार थे, कॉलोनियल रूल के अंतर्गत थे। या कभी वेस्ट की कॉलोनी रहे, नहीं? और इसमें अगर आप जाकर के देखें तो इसमें मुख्य रूप से कौन से देश आते थे, तो इसमें मुख्य रूप से अगर आप देखें तो डेवलपिंग कंट्री आते थे, नहीं? और इनमें मुख्य रूप से अगर आप जाकर के देखें तो LDCs आते थे, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आते थे। बेसिकली अगर आप देखें तो आप यह पाएंगे कि कहीं ना कहीं यह जो डोमिनेंस है अमेरिका और यूरोपीय देशों का, इस डोमिनेंस के अगेंस्ट अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इमर्ज करता दिखाई पड़ता, ठीक है? पश्चिमी प्रभुत्व के प्रति व्यापक प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती। एक शब्द बार बार आ रहा है ना, यहां पर हमारे लिए जरूरी है, ये जिसको थर्ड वर्ल्ड कभी कहा गया, आज इसी को क्या कहा जा रहा है, आज तीसरी दुनिया के देशों को ही क्या कहा जा रहा, आज तीसरी दुनिया के इन देशों को ही ग्लोबल साउथ कहा जा रहा है। ये जो ग्लोबल साउथ संज्ञा है, क्योंकि ये प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ये जो ग्लोबल साउथ संज्ञा है, इस ग्लोबल साउथ संज्ञा का इस्तेमाल जो है ग्लोबलाइजेशन की पृष्ठभूमि में शुरू हुआ है। ठीक है, वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि में तीसरी दुनिया के देशों के लिए ग्लोबल साउथ संज्ञा का इस्तेमाल शुरू हुआ है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखें, तो जब लैटिन अमेरिकन क्राइसिस की शुरुआत 1981-82 के आसपास मेक्सिको से शुरू हुई, मेक्सिको क्राइसिस से शुरू होती समस्या 82 में जो है, मेक्सिको क्राइसिस के सॉल्यूशन के लिए या उसको प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करने के लिए आप देखेंगे तो वाशिंगटन में IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट, तीनों के हेडक्वार्टर वाशिंगटन में थे, और उस समस्या पर विचार के लिए तीनों की जब बैठक होती है तो इनके बीच इस बात पर सहमति बनती है कि इस सारी समस्या का समाधान जो है LPG है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है। और मेक्सिको संकट मेक्सिको तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका में फैलता है। और लेटर फेज में अगर आप जाकर के देखें तो जब सोशलिस्ट ब्लॉक कोलैप्स करता है, जब USSR का कोलैप्स होता, तो उसकी पृष्ठभूमि में देखेंगे एग्रेसिवली LPG के एजेंडे को सारी समस्याओं के समाधान के रूप में
पूर्व के सोशलिस्ट देशों पर थोपा जाता है, थर्ड वर्ल्ड के कंट्री पर थोपा जाता है, और वहां से अगर आप देखें तो वहां से नियो इकोनॉमिक लिबरलिज्म के एक नए दौर की शुरुआत होती है। नहीं, 1990 के दशक में आकर के ग्लोबलाइजेशन वैश्विक सच के रूप में सामने आता, WTO की स्थापना के साथ और इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन के साथ, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ। तो इसी के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे ग्लोबल साउथ संज्ञा का इस्तेमाल यहां पर होता। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो दो तीन चीजों पर गौर करें। पश्चिमी प्रभुत्व के प्रति जब व्यापक प्रतिक्रिया होती है तो स्वाभाविक तौर पर उससे बाहर निकलने की छटपटाहट भी दिखाई पड़ेगी, और उससे बाहर निकलने की जो छटपटाहट दिखाई पड़ती है वो छटपटाहट किस रूप में सामने आती है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आप देखेंगे वो चीजें सामने आती है नेम के रूप में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में, क्योंकि ये तीसरी दुनिया के जो देश हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री हैं, इन्होंने यह महसूस किया कि उनकी प्रायोरिटीज अलग है फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड के देशों की तुलना में, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड के देश जो हैं, कह लें कि वो खाए अघाए हुए देश हैं। फर्स्ट वर्ल्ड में OECD सारी कंट्री आ जाती हैं, सेकेंड वर्ल्ड में अगर आप जाकर के देखें तो सोवियत संघ जो है उसको लीड करता, और जो सोशलिज्म को प्रायोरिटी देते हैं, सोशलिज्म के प्रति पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट को प्राथमिकता देते, वो सेकेंड वर्ल्ड के हिस्से बनते चले जाते। थर्ड वर्ल्ड के देशों को लगा कि उनके सामने जितनी कॉम्प्लेक्स चुनौतियां हैं और जितने लार्जर स्केल पर चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से अगर उन्हें प्रभाव अपने दम पर, तो वे उन चुनौतियों से नहीं निपट सकते। तो अगर उन चैलेंजेज को उन्हें प्रॉपरली रेस्पोंड करना है तो उन चैलेंजेज को प्रॉपरली रेस्पोंड करने के लिए उन्हें क्या करना होगा। तो इसके लिए आवश्यकता इस बात की है, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें दोनों देशों का सहयोग मिले। ये जो रैट रेस चल रहा है, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड कंट्री के बीच वे उससे अलग रहें, जहां साम्यवादी देशों से गुट से सहयोग मिल रहा है उस सहयोग को भी हासिल करें, जहां पूंजीवादी गुट से सहयोग मिल रहा है वे उसके सहयोग को भी हासिल करें। बातें स्पष्ट हुई। तो उन्होंने अपने आप को रैट रेस से अलग रखने की कोशिश की। दूसरा, अगर आप जाकर के देखें, दूसरी संस्था आती है UNCTAD। UNCTAD 1964 में, ठीक है, अगर आप देखें गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961, UNCTAD 1964, UNCTAD के कंटेक्स में देखें तो इसने क्या किया, नहीं, तो इसने जो है वो तीसरी दुनिया के देश जो हैं उनके बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को प्रमोट करने की रणनीति पर काम किया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फुल फॉर्म क्या है UNCTAD का, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ट्रेड एंड कॉपरेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, नहीं, तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, अगेन इसी के परिणाम स्वरूप अगर आप देखें तो तीसरी संस्था अस्तित्व में आती है G77।
अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन के कंटेक्स्ट में देखें तो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या करीब 120 है। G77 के कंटेक्स्ट में देखें तो इसकी सदस्य संख्या करीब करीब जो है 132 है। अगेन अगर आप जाकर के देखें तो इवसा की स्थापना होती है, और इवसा की स्थापना की दिशा में 2003 में पहल होती है, इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में देखेंगे तो आप यह पाएंगे इंडिया अफ्रीका मंच की स्थापना होती है। बेसिकली मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा, इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। इसका एक पर्पस है। पर्पस क्या है? इस चर्चा का पर्पस यह है कि बेसिकली अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि एक बिंदु पर जाकर के जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विकसित देशों का सैचुरेट होने लगता है। अब यहां पर जाकर के देखा जाए तो आप पाएंगे क्या, जो विकसित देश है नहीं, ये अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाह रहे हैं, ये अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए डेवलपिंग कंट्री का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जब डेवलपिंग कंट्री ने इसको समझा, अच्छा एक बिंदु पर क्या होता है तो एक बिंदु पर आकर के आप देखेंगे विकसित देशों में आपको इकोनॉमिक स्टैग्नेंसी की स्थिति दिखाई पड़ेगी, आर्थिक ठहराव की स्थिति दिखाई पड़ती। इकोनॉमिक स्टैग्नेंसी की स्थिति आपको डेवलपिंग इकोनॉमी में दिखाई, डेवलप्ड इकोनॉमी में दिखाई पड़ती। अब डेवलप्ड इकोनॉमी अपनी उस इकोनॉमिक स्टैग्नेंसी से बाहर निकलने के लिए इनकी रणनीति क्या होती, ये नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन की बात करते। नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन की चर्चा यहां से होती। नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन प्रकारांतर से क्या है, नॉर्थ यहां पर किसको रिप्रेजेंट करता है, विकसित देशों के, जो विकसित देश अधिकांशतः कहां पर उनका लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या था, अधिकांश विकसित देशों का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखे तो वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगेन अगर आप जाकर के देखें यहां साउथ किसको रिप्रेजेंट करता, साउथ जो है डेवलपिंग इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अधिकांश विकासशील देशों को अगर आप देखें तो उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन कहां पर दिखाई पड़ता, अधिकांश डेवलपिंग इकोनॉमी जो है उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको साउदर्न हेमिस्फीयर पर दिखाई पड़ता। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन की बात यहां पर की गई है। ठीक है, इनके द्वारा भी नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन की बात की गई है, इनका पर्पस अलग है नहीं, और इनका नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन जो होगा, नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन जो होगा वह इनकी शर्तों पर होगा।
और इनकी शर्तों पर अगर यह होगा, अर्थात नॉर्थ साउथ कॉपरेशन की जो शर्तें होगी वो असमान होनी थी, मतलब उसके मैक्सिमम बेनिफिट किनको मिलते, नॉर्थ के जो डेवलप्ड इकोनॉमी थे उनको मिलते, और उसकी कीमत किनको चुकानी पड़ती, साउथ के जो डेवलपिंग इकोनॉमी थे उनको उनकी कीमत चुकानी पड़ती। यही वह फेज है, जिस फेज में आप जाकर के देखें तो आप क्या पाएंगे, इसी फेज में आप पाएंगे कि 1960s में विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग की वैकल्पिक संभावनाओं पर विचार शुरू होता। मतलब चाहे अंकटाड की बात कर लें, चाहे नेम की बात, नॉन अलाइन मूवमेंट की बात कर लें, चाहे G77 की बात कर लें, ठीक है, ये जितनी संस्थाएं हैं, आगे चलकर के आप इवसा की बात कर लें, इंडिया अफ्रीका मंच की बात कर लें, ये जितनी संस्थाएं हैं, ये सारी संस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्थ साउथ कॉपरेशन के वैकल्पिक संभावनाओं की पड़ताल करती है। और वैकल्पिक संभावनाओं के रूप में वे किसको देखती हैं, साउथ के जो डेवलपिंग इकोनॉमी हैं उनके बीच म्यूचुअल कोऑपरेशन पर वो बल देती है, क्योंकि उनका मानना है कि साउथ के डेवलपिंग इकोनॉमी के बीच म्यूचुअल कोऑपरेशन जो है वह उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट के लिए कहीं ज्यादा सूटेड है बनिस्बत की नॉर्थ साउथ रिक्वायरमेंट। अब एक माहौल निर्मित किया जा रहा, जिस माहौल में आप क्या जाकर के देखें तो 1974 में अगर आप मूव करें तो 1974 में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पर विचार होता है। इस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नाम से आप देखिए फर्क दिख रहा है, अगर इसकी बात हम कहें तो ओल्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ने विकसित और विकासशील देशों के बीच जिस संबंध की प्रस्तावना की, उन संबंधों की शर्तें असमान थी, ठीक है, वह इक्वल फुटेज पर कॉपरेशन नहीं होता, वह इनइक्वल फुटेज पर कॉपरेशन होता है, और उन मतलब सहयोग की असमान शर्तों के कारण उस कॉपरेशन का जितना बेनिफिट डेवलप्ड इकोनॉमी को मिलता उतना बेनिफिट डेवलपिंग इकोनॉमी को नहीं मिलता। इसीलिए एक ओर साउथ साउथ कॉपरेशन की मांग हो रही है, दूसरी ओर जो साउथ के डेवलपिंग इकोनॉमी है उनके द्वारा किसकी मांग की जा रही है, तो साउथ के डेवलपिंग इकोनॉमी के द्वारा जो है वो नॉर्थ साउथ कॉपरेशन ने इक्वल फुटेज की बात की जा रही है, समानता के धरातल पर जो है वह उत्तर दक्षिण संबंध की सहयोग की बात की जा रही है। और इसके मद्देनजर अगर आप देखें तो अल्टीमेटली यूएनओ ने उनके डिमांड को रिस्पॉन्ड किया और एक नया टर्म उस समय पॉपुलर हुआ था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पर सहमति बनती है। और अल्टीमेटली न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वह क्या करता है, तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वह नॉर्थ साउथ कॉपरेशन इसके नए मॉडल के साथ उपस्थित होता। लेकिन अगर आप देखें, एक कहावत आपने सुनी होगी कि घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या, नहीं, सवाल यह उठता है
सवाल है यहां पर यह उभर करके सामने आता कि अगर विकसित देश इक्वल फुटेज पर कॉपरेट करना शुरू कर दें तो उस स्थिति में निश्चित तौर पर उनके ग्रोथ अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कंप्रोमाइज करना होगा, ठीक है, अपने बेनिफिट को उन्हें छोड़ना होगा, जो संभव नहीं है। पूंजीवाद का नेचर और कैरेक्टर ही ऐसा नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद की पूरी संकल्पना जो है वह दो चीजों पर आधारित है, नहीं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, नो फ्रेंडशिप इन बिजनेस, बिजनेस इज बिजनेस, नहीं तो अल्टीमेटली अगर आप जाकर के देखें तो इसमें इससे मोहभंग में ज्यादा समय नहीं लगता। और एक बार फिर से देखें, एक बार फिर से आप देखें तो फोकस विकासशील देशों का किस पर होता, दक्षिण दक्षिण सहयोग पर। साउथ साउथ कॉपरेशन पर फोकस जो है बढ़ता है, साउथ साउथ कॉपरेशन पर जोर जो है वह बढ़ता चला जाता। इतनी बातें स्पष्ट हुई? क्या? अरे इसमें कंफ्यूज मत होइए, कुछ चीजें जो है ना इन थ्योरी और इन प्रैक्टिस बहुत अंतर होता है। हाथी के दो दांत, खाने के कुछ और बात, दिखाने के कुछ और, ठीक है, नहीं। अगर आप जाकर के देखें तो हमेशा ध्यान रखेंगे एक अंग्रेजी का प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब है बेगर्स कांट बी चूजर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है। तो शर्तें हमेशा उन्हीं की मानी जाती हैं जो लीडिंग पोजीशन पर होता, जो डोमिनेटिंग पोजीशन पर होता, ठीक है। कभी भी ट्रेलिंग पोजीशन पर जो होता है उसकी शर्तें नहीं मानी जाती। दूसरा कंटेक्स्ट जो है, ये चीजें सुनने में जितनी अच्छी लग रही नहीं, व्यावहारिक धरातल पर इन्हें उतारना जो है उतना ही मुश्किल है। क्योंकि साउथ के डेवलपिंग कंट्री की अगर आप बात कर रहे हैं, साउथ के डेवलपिंग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो क्या साउथ की डेवलपिंग इकोनॉमी कोई होमोजेनियस ग्रुप है क्या? नहीं। क्या ऐसा है कि सबकी नीड और रिक्वायरमेंट एक है? क्या ऐसा है कि उनके बीच कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन है? क्या ऐसा है उनके बीच कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति नहीं है? नहीं, वेरियस स्तर पर, नहीं। और ऑटोमेटिकली अगर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जितने स्तरों पर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति होगी, नहीं, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन की संभावनाएं उतनी ही क्या हो जाएंगी, उतनी ही कम होती चली जाएंगी। नहीं, आज हमारे प्रधानमंत्री साउथ, ग्लोबल साउथ की जितनी सबमिट कर लें, साउथ साउथ कॉपरेशन की जितनी बात कर लें, आप पिछले 9 वर्षों को आप रिकॉल करें, ठीक है, और मैं 9 वर्षों की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 30 वर्षों की बात कर रहा हूं। भारत क्या वाकई साउथ साउथ कॉपरेशन को लेकर के गंभीर रहा है? क्या भारत, और अगर भारत साउथ साउथ कॉपरेशन को लेकर वाकई गंभीर रहा तो नाम जैसे संगठनों का नाम लेने से क्यों परहेज करता? नन अलाइन मूवमेंट जैसे प्लेटफॉर्म जहां पर साउथ के करीब करीब 120 देश हैं, G77 जैसे संगठन जहां पर 132 देश साउथ के मौजूद हैं, नहीं, कितने समय के बाद आपने नाम सुना है? अच्छा, तीसरी बात बतला दें, भारत के पास G20 का भी प्रेसिडेंटशिप है, G77 का भी प्रेसिडेंटशिप है, नहीं, और G20 का प्रेसिडेंटशिप अभी आया है, नहीं,
ऐसा नहीं है कि भारत के पास पहली बार G20 का प्रेसिडेंटशिप आया। G20 एज एन इंस्टीट्यूशन जो है, अगर आप देखें तो एज एन इंस्टीट्यूशन G20 इमर्ज जो एस्टेब्लिश होता है 1999 में, और G20 के इमर्जेंस के पीछे भी कहानी को अगर आप जानने की कोशिश करें तो G20 के इमर्जेंस की कहानी क्या है, बेसिकली अगर आप देखें तो न्यू इकोनॉमिक लिबरलिज्म के नाम पर जो परोसा गया LPG के मॉडल को, ठीक है, एशिया में अगर आप जाकर के देखें तो इस एशियन कंट्री जो है उन्होंने LPG के उस मॉडल को, वाशिंगटन कंसेंसस को एग्रेसिवली फॉलो किया और रिलीजियसली फॉलो किया, बिना रिस्क को मिटिगेट करते फॉलो किया। परिणाम क्या होता, ये फेज ग्लोबलाइजेशन का फेज है नहीं? और ग्लोबलाइजेशन के फेज का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन के फेज का सिंपल सा मतलब है वह जो है नेशनल इकोनॉमी के इंटरेस्ट को ग्लोबल, नेशनल इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर रहा, और नेशनल इकोनॉमी का अगर ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन होगा तो इस इंटीग्रेशन के कारण निश्चित तौर पर नेशनल इकोनॉमी के ग्रो करने के लिए स्कोप जो है बढ़ेंगे, ग्लोबल रिसोर्सेज तक उसकी पहुंच होगी और ग्लोबल मार्केट तक उसकी पहुंच होगी, जो उसके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी को लेकर के आएगा। एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो एट द सेम टाइम क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमी के जो रिस्क है नहीं, वे रिस्क भी तो बढ़ेंगे इंटीग्रेशन के साथ। इंटीग्रेशन की प्रक्रिया जितनी तेज होगी, ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हुए रिस्क से प्रभावित होने की संभावना उतनी अधिक होती चली जाएगी। अब बातें स्पष्ट हुई यानी, तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो जब 1997-98 में इस एशियन क्राइसिस होता, तो इस एशियन क्राइसिस होता तो उसका इंपैक्ट केवल इस एशियन कंट्री तक सीमित नहीं होता, बल्कि ग्लोबलाइजेशन के बैकग्राउंड में उसका इंपैक्ट ग्लोबल इंपैक्ट देखा जाता है, और वो जो ग्लोबल इंपैक्ट देखा जाता है तो स्वाभाविक तौर पर इस एशियन इकोनॉमी से जो इकोनॉमी जितनी अधिक इंटीग्रेटेड होगी वहां पर उसका इंपैक्ट क्या होगा, वहां पर उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा होगा। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें होता क्या है, सबसे अधिक इंटीग्रेटेड, सबसे अधिक लाभ, उस समय एक टर्म यूज होता था एशियन टाइगर्स, जो इस एशियन इकोनॉमी ने एलपीजी के जिस मॉडल को अपनाया और उस मॉडल को अपनाने के साथ उसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जो इंटीग्रेशन बढ़ा, तो इस इंटीग्रेशन के से सबसे अधिक बेनिफिटेड इस एशियन इकोनॉमी हुए, और इस एशियन इकोनॉमी के बाद सबसे अधिक बेनिफिटेड कौन हुए, जिनकी पूंजी और जिनका निवेश इस एशियन इकोनॉमी तक पहुंचा। तो अगर इस एशियन इकोनॉमी क्रैश करती है तो इस एशियन इकोनॉमी तो प्रभावित तो होगी ही होगी, साथ ही साथ जो इकोनॉमी जितनी इंटीग्रेटेड होगी इस एशियन इकोनॉमी के साथ उस पर प्रभाव उतना ज्यादा होगा, और सबसे अधिक इंटीग्रेटेड है अमेरिकन इकोनॉमी और यूरोपियन इकोनॉमी। तो अब जब इस एशियन इकोनॉमी का ग्रेटर फॉलआउट होता है डेवलप्ड इकोनॉमी पर, तो डेवलप्ड इकोनॉमी की बेचैनी बढ़ जाती है, और डेवलप्ड इकोनॉमी की जो बेचैनी बढ़ जाती तो अभी तक ग्लोबल इकोनॉमी के को रेगुलेट करने, ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करने, ग्लोबल इकोनॉमी के समक्ष जो चैलेंजेज उभर करके सामने आए थे उन चैलेंजेज को रेस्पोंड करने और ग्लोबल इकोनॉमी को मैनेज करने की जिम्मेवारी किसके पास थी? पेज बदला है क्या? G7 की पिछले पेज पर हमने चर्चा की थी, मतलब दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो थी उन पर जिम्मेवारी इसकी थी। अब उन 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने G7 की जब इस क्राइसिस के बैकग्राउंड में मीटिंग होती तो उन्होंने यह महसूस किया कि दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर के अब इस क्राइसिस को रेस्पॉन्ड करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने जो है वह उनके इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को
कम किया है और पैरेलली कई इकोनॉमी उभर करके आई हैं जिनका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया है ग्लोबलाइजेशन की पृष्ठभूमि। और उस स्थिति में जाकर के देखें तो कुछ नई इकोनॉमी इमर्ज कर रही थी, नहीं बड़ी तेजी से, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था थी, जिसमें चीन की अर्थव्यवस्था थी, जिसमें ब्राजील की अर्थव्यवस्था थी, जिसमें साउथ अफ्रीका की अर्थव्यवस्था थी, बातें ये स्पष्ट। उधर चले जाए तो मेक्सिको की अर्थव्यवस्था उभर करके सामने आती। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो अब इन लोगों ने जो है G7 में विचार करने के बाद उन्होंने जो है दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उनके वित्त मंत्रियों और उनके जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे उन लोगों की एक बैठक बुलाई। और यही वह बैकग्राउंड है जब 1999 में G20 फॉर्म होता है। ठीक है, अब G20 जब वहां पर फॉर्म होता है और उसी समय यशवंत सिन्हा विदेश मंत्री थे वो भी उस बैठक में शामिल हुए। भारत को इमर्जिंग इकोनॉमी के लीडर के तौर पर भारत को G20 की मेंबरशिप ऑफर किया गया और उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और अगर आप देखें तो भारत G20 का दूसरा अध्यक्ष बना था फॉर्मेशन के जस्ट बाद। ये चीजें भी याद में रखने वाली चीजें। तीसरी चीज जिस बात को याद रखने की चीज रखा जाना चाहिए वह यह भी याद रखा जाना चाहिए, आज अगर भारत G20 का अध्यक्ष बना है तो इसमें किसी का कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंटशिप जो जाती है वह रोटेशनल बेसिस पर जाती है। नहीं तो रोटेशनल बेसिस पर वह प्रेसिडेंटशिप हमारे पास आई है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, 1999 के भारत और आज के भारत दोनों में ह्यूज गैप है। नहीं? उसके अंतर्राष्ट्रीय कद में ह्यूज गैप है, उसके आर्थिक कद में ह्यूज गैप है, नहीं उसके रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको ह्यूज गैप दिखाई पड़ेगा। उस गैप को हम डिनाई नहीं कर सकते ना। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि मुझे लगता कि उस समय भारत दुनिया की 12वीं-13वीं के आसपास कहीं पर रहा होगा, हो सकता है उसके और ऊपर रहे। तो यह फर्क है या नहीं, अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि 1999 के बाद, ये 1998 के बाद पोखरण विस्फोट के बाद अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो है प्रेजेंस बढ़ा है, उसका से बढ़ा है। अगर इस कंटेक्स में जाकर के देखें तो वहां पर G20 इमर्ज करता है। लेकिन एक चीज अभी ध्यान रखिएगा, एक चीज यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 1999 से लेकर 2008 तक, 1999 से लेकर 2008 तक अगर चले जाएं तो आप देखेंगे G7 भी फंक्शन कर रहा है, लेटर फेज में आकर के वह G8 हो जाता और G20 भी फंक्शन कर रहा है, एक चीज। दूसरा अगर देखें तो 2008 तक देखेंगे G20 जो है कहीं अधिक प्रभावी संगठन के रूप में G8 जो है कहीं अधिक प्रभावी संगठन के रूप में सामने आता। अभी भी G8 का पोजीशन जो है G7+1 का पोजीशन अभी भी डोमिनेटिंग है ग्लोबल इकोनॉमी में। यह 2008-09 का अमेरिकी वित्तीय संकट है जो अमेरिकी आर्थिक मंदी में ट्रांसफॉर्म करता है, और धीरे धीरे यह अमेरिकी वित्तीय संकट जो है वैश्विक वित्तीय संकट का रूप धारण करता है और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में कन्वर्ट होता है। यह वह पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में अगर आप जाकर के देखें तो आप देखेंगे कि इस क्राइसिस ने
G7 plus 1 को बैकडोर में ले जाने का काम किया, और G7 plus 1 का जो लीडिंग रोल था ग्लोबल इकोनॉमी में, उस लीडिंग रोल को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? G20 के द्वारा रिप्लेस किया गया। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाकर के देखें, तो यहां पर G8 की जगह G20 के द्वारा लिया जाना या किसकी ओर इशारा करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के डेमोक्रेटाइजेशन की ओर इशारा करता है। क्यों मैंने ऐसा कहा कि यह ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के डेमोक्रेटाइजेशन की ओर इशारा करता? तो इसके पीछे रीजन यह है कि अगर G20 को देखें तो यह ग्लोबल जीडीपी के 80% को रिप्रेजेंट करता, 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को G20 रिप्रेजेंट करता है। दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें, यह ग्लोबल ट्रेड के 3/4 से ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है, 3/4 से अधिक वैश्विक व्यापार को G20 रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो दुनिया की दो तिहाई आबादी को G20 रिप्रेजेंट करता है नहीं। और अगर आप लिंकअप करें तो ग्लोबल जीडीपी का 85% और ग्लोबल जो पॉपुलेशन है उसकी 2/3 आबादी, दोनों मिलकर के क्या करेगी? यह ग्लोबल मार्केट के लार्जेस्ट शेयर को रिप्रेजेंट करती है नहीं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसी के आधार पर ना डेमोक्रेटाइजेशन की बात करेंगे नहीं, इसी के आधार पर अगर आप जाकर के देखें तो इसी के आधार पर किसकी हम बात करते हैं? इसी के आधार पर हम बात करते हैं कि G20 जो है वह एक अधिक इंक्लूसिव बॉडी के रूप में सामने आती है। यहां पर एक और चीज को नोटिस में रखने की जरूरत है G20 के कंटेक्स्ट में। क्या नोटिस में रखने की जरूरत है? इसके प्रेसिडेंटशिप को देखें तो रोटेशनल, IMF और वर्ल्ड बैंक के पैरेलल रख करके देखें, G20 का प्रेसिडेंट जो है रोटेशनल बेसिस पर चुना जाता है, और G20 का जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वह प्रेसिडेंट ही क्या करता है, वह प्रेसिडेंट ही शिखर सम्मेलन का आयोजक होता है, होस्ट वही होता है। और G20 का एजेंडा जिसके द्वारा तैयार किया जाता, एजेंडा तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? होस्ट कंट्री की होती है, जो G20 का प्रेसिडेंट होता। लेकिन होस्ट कंट्री के द्वारा अकेले G20 का एजेंडा नहीं तैयार किया जाता है, एक ट्रायका है जो इस एजेंडे को तैयार करता है। इस ट्रायका में करेंट प्रेसिडेंट जो G20 का के होते वो शामिल होंगे, जो G20 के प्रीवियस प्रेसिडेंट हैं वो शामिल होंगे नहीं, और तीसरा नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो G20 के होंगे वो शामिल होंगे। अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो G20 का करेंट प्रेसिडेंट इंडिया है, प्रीवियस प्रेसिडेंट इंडोनेशिया था, और नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो होने जा रहा है वो ब्राजील होने जा रहा है। तो ये जो ट्रायका निर्मित हो रहा है, इस ट्रायका की ब्यूटी इस बात में है कि इस बार G20 के एजेंडे के निर्धारण की जिम्मेवारी पूरी तरह से किसके हाथ में है? साउथ के विकासशील देशों के हाथों में है। और इसीलिए अगर आप जाकर के देखें तो G20 समिट से उम्मीदें कहीं ज्यादा पाली जा रही हैं, या उम्मीद की जा रही हैं कि इस बार का जो G20 समिट होगा, जो सितंबर में 2023 में दिल्ली में प्रस्तावित है, इस बार का जो G20 समिट है उस समिट का एजेंडा जो है वह कहीं न कहीं
डेवलपिंग वर्ल्ड के कंसर्न को रिप्रेजेंट करेगा और उस एजेंडे पर जो बातचीत होगी वह बातचीत डेवलपिंग वर्ल्ड के कंसर्न को जो है रिजॉल्व करने में सहायक होगी। बातें स्पष्ट हुई? यहां पर एक और बात जो कहना मैं चाह रहा हूं कि G20 एज एन इंस्टीट्यूशन अगर आप देखें तो एक तो एज एन इंस्टीट्यूशन वह इमर्ज करता है 1997-98 के इस एशियन क्राइसिस की पृष्ठभूमि में, लेकिन वहां पर वह एज एन इंस्टीट्यूशन जो इमर्ज करता है एक ऐसे मंच के रूप में जिसमें दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और वहां के केंद्रीय बैंक के गवर्नर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबल फिनांस से जुड़े हुए जो कंसर्न्ड इशू होते उन पर आपसी बातचीत करते हैं, उन पर सहमति बनाते हैं और उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेशन के लिए करते हैं। लेकिन 2008-09 क्यों G20 ने, इस प्रश्न का भी उत्तर यही मिलेगा कि जब G20 की स्थापना वेस्टर्न कंट्री की नीड और रिक्वायरमेंट को के कारण 1999 में होती है तब भी G7 की प्रमुखता क्यों बनी रहती 2008 तक, तो उसका जवाब यहां पर मिलेगा। G20 में देखें, G20 की जो भी समिट होती थी हेड ऑफ द नेशन उसमें शामिल होते थे, वहां का शीर्ष नेतृत्व जो है उस शिखर सम्मेलन में भाग लेता था, लेकिन 2008 के पहले तक G20 के जो समिट होते थे उस समिट में G20 के सदस्य देशों के शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने की परिपाटी नहीं थी। 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो पहली बार G20 के सदस्य देशों के शीर्ष नेतृत्व की बैठक होती है और वहां से आप देखेंगे तो G20 जो है एक ऐसे मंच के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है जहां पर दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख जो है हेड ऑफ द नेशन जो है एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं और ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इशू पर आपसी विचार विमर्श करते, आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के सामने जो चैलेंजेज मौजूद हैं उन चैलेंजेज को वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते। तो एक संस्था के रूप में इसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखा, क्योंकि आपको इसके इस बात को ध्यान में रखना है कि हो सकता है G20 एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उठा करके शॉर्ट नोट्स में ही पूछ दिया जाए। बातें समझ रहे? तीसरी चीज यहां पर जो ध्यान में रखने की जरूरत है, अगर आप देखें तो 2010 तक आप देखेंगे G20 के जो समिट होते थे वो 6-6 महीने पर होते थे और उसका रीजन बड़ा क्लियर है। रीजन बड़ा क्लियर यह है कि उस समय ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्ट क्राइसिस जो है वह अपने चरम पर था, तो उसका जो इंपैक्ट था, उसका जो इंपैक्ट था, उसकी जो इंटेंसिटी थी, उस इंपैक्ट और उस इंटेंसिटी के कंटेक्स्ट में जो है मतलब फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन की जरूरत थी ताकि मतलब जितनी तेजी से सिचुएशन बदल रहे हैं उतनी तेजी से बदलते हुए सिचुएशन को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने की स्ट्रेटजी ड्रॉ आउट की जा सके। जब वह इंपैक्ट कम होता दिखाई पड़ता तो उसके बाद फिर इसको एनुअल समिट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता और तब से आप देखेंगे एनुअल समिट की परिपाटी चली आ रही। नहीं, बढ़े यहां से आगे, यहां तक में कुछ पूछना है? अगर है तो पूछ लो। कोई प्रश्न है?
अब मैं बात कर रहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। फिर लौटेंगे हम क्योंकि दिक्कत कहां पर है। दिक्कत यह है कि मोस्ट ऑफ द अप्रोचेस तो यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि किसी तरह रट जाए। ठीक है, दूसरी चीज जो है ना, 5 गो 7 गो पॉइंट मिल जाए और किसी तरह उसको स्ट्रेच करते हुए, बातों को घुमाते हुए उन चीजों को लिखा जाए। हमेशा ध्यान रखें, मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा, सबसे अधिक हम आपके आंसर में जिन चीजों को तलाशते हैं वो है विजन और विजुअलाइजेशन। सबसे अधिक आपके आंसर में जिस चीज को तलाशते कि आपका आंसर जो है वह डिमांड ऑफ क्वेश्चन को समझ पाने की स्थिति में है या नहीं, रिस्पॉन्ड कर पाने की स्थिति में है या नहीं। इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, इंफॉर्मेशन का रोल जो है सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, और जब आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना चीजों की, इशूज की, तो जब आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग इशूज की होती है तो उस स्थिति में आप इस चीज को समझे, आप चीजों को एनालाइज करने की स्थिति में होते हो, आप चीजों के विश्लेषण की स्थिति में होते हो, चीजों को आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर रहे होते हो। और एनालिसिस जैसे आपके आंसर का हिस्सा आता। अब तक मैंने आपके साथ चर्चा किसकी की, ओल्ड वर्ड ऑर्डर की। और उस ओल्ड वर्ड ऑर्डर में अगर आप जाकर के देखें तो एक दो बिंदु और आप एड ऑन करें। यह जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें अगर आप जाकर के देखें तो दुनिया क्या है, बाइपोलर वर्ल्ड है। दुनिया क्या है, द्विध्रुवीय विश्व है। नहीं, और यह जो द्विध्रुवीय दुनिया है, देखे कहने के लिए हम नॉन अलाइन मूवमेंट की जितनी तारीफ कर लें लेकिन व्यवहार में देखें तो नन अलाइनमेंट जैसी कोई चीज व्यवहार में एग्जिस्ट करती नहीं दिखाई पड़ती। नहीं, अगर नन अलाइनमेंट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती दिखाई पड़ती तो 1971 में भारत रूस मैत्री संधि संपन्न नहीं होती। मतलब यह तीसरी दुनिया की देशों जो मैंने कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो तीसरी दुनिया के देशों के सामने जो मजबूरियां थी उन मजबूरियों ने उन्हें अक्सर नन अलाइनमेंट के जो मूलभूत सिद्धांत और नन अलाइनमेंट के जो मूलभूत आदर्श थे उनसे कंप्रोमाइज करने के लिए उन्हें बाध्य किया। और अंडर कंपल्सन वे इस या उस तरफ क्या है, झुकते रहे। और चाहे इस तरफ झुके चाहे उस तरफ झुके वो एक प्रकार से कंप्रोमाइज है। तो अगर आप देखें बाइपोलर वर्ल्ड है, नहीं, अगर इसी के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो एक और चीज यहां पर दिखाई पड़ेगी, वह यहां पर वार माइंडसेट का कंटिन्यूएशन है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त तो हो गया लेकिन युद्धकालीन मानसिकता जो है वह अभी भी बनी हुई है। किस रूप में, तो कोल्ड वार के रूप में, दैट इज शीत युद्ध। कोल्ड वार का मतलब तो समझते होंगे नहीं, हम लोग जो करते हैं आजकल यही कोल्ड वार है।
फेसबुक पर जो करते, फेसबुक से लेकर के ना, बस मारपीट नहीं करना है, समझे। लेकिन और सब कुछ जो है फेसबुक पर ही चीन को लतिया भी देते हैं, जुतिया भी देते हैं, पाकिस्तान को भी कर देते हैं ना, और मन प्रसन्न हो जाता है कि चलो आप एक ऑर्डर स्थापित कर दिया जिस ऑर्डर में हमारा डोमिनेंस होगा। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाएं, यहां पर जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इमर्जेंस की पृष्ठभूमि को समझे। नंबर वन अगर आप देखें, दो घटनाएं होती। एक घटना क्या होती है, यूएसएसआर का विघटन। सोवियत संघ बिखर करके रह जाता है, ठीक है। दूसरी घटना होती है साम्यवादी गुट का बिखरना। नहीं, पड़ोसी की मदद तब न कीजिएगा जब आपकी अपनी जरूरतें पूरी होंगी। और एक और चीज सीखिए, यह भारत के लिए बहुत बड़ा लेसन है। भारत भी इसी बिखराव की कगार पर था 1980 के दशक में। भारत की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। लेकिन उस समय की जो लीडरशिप थी, उस समय की लीडरशिप का सेंस प्रिवेल करता है, और सेंस चूंकि प्रिवेल करता तो उसने रीजनल सेंटिमेंट को और रीजनलिज्म को क्रश करने की बजाय रीजनल सेंटिमेंट को नेशनल सेंटिमेंट के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट और कॉपरेट करने की, एडजस्ट करने की रणनीति पर काम किया। और वही कॉन्सेप्ट कॉपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को लेकर के आता। अगर इस रणनीति को नहीं अपनाया जाता, और उस समय की भी सोच यही होती कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो शायद भारत वहां पर जाकर के बिखर सकता था, ठीक है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता, जो लर्निंग हमारे लिए हो सकती है, अगर इन दोनों का बिखराव संभव हुआ तो इस बिखराव का कारण क्या है, रीजन इस बिखराव का रीजन लोचशीलता का अभाव, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि यह इस लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ने चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के साथ एडजस्ट करने की इनकी क्षमता को क्या किया, प्रभावित किया। अब इसी के साथ अगर आप जाकर के देखें, आर्थिक संकट वहां पर गहराता है सोशलिस्ट वर्ल्ड में, और अल्टीमेटली जो है परिणाम क्या होता, द्वि ध्रुवीय विश्व का अंत, कोल्ड वॉर का अंत, शीत युद्ध का अंत, द्वि ध्रुवीय विश्व का अंत, कोल्ड वॉर का अंत। सवाल यह उठता कि इसने दुनिया को कहां पर पहुंचा दिया। आप कह सकते कि इसका परिणाम यह होता है कि वर्ल्ड ऑर्डर
वर्ल्ड ऑर्डर का यह क्या है? ट्रांजिशनल स्टेज। नहीं, क्यों ट्रांजिशनल स्टेट की बात कर रहे हैं? तो आप देखें, द्विध्रुवीय विश्व का जो अंत होता तो दुनिया यहां से एक ध्रुवीयता की ओर बढ़ती है, और दुनिया को एक ध्रुवीय बनाने की चाह किसकी है? कौन चाहेगा दुनिया एक ध्रुवीय हो? नहीं? तो निश्चित तौर पर यूएसए चाह रहा है दुनिया एक ध्रुवीय हो। नहीं? और कौन चाहेगा दुनिया बहुत ध्रुवीय हो? कौन चाहेगा बहुत ध्रुवीय दुनिया हो? तो स्वाभाविक तौर पर जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, नहीं अपने दम पर तो कुछ कर पाने की स्थिति में हम हैं नहीं, तो मिलजुल करके हमारी कोशिश होती है दुनिया बहुत ध्रुवीय, ठीक है। भारत हो गए, चीन हो गए, अब यहां पर थोड़ा सा रोक करके एक इक्वेशन समझाना चाहूंगा। तीन पैरेलल चीजें हैं और यहां पर हम देख रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर, एशियन ऑर्डर। एक कहानी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, ठीक है। साउथ एशियन ऑर्डर, भीष्म साहनी की कहानी है और कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम है अमृतसर आ गया। तो उस कहानी में क्या है, रेलगाड़ी के यात्रियों के मनोविज्ञान के बारे में बतलाया गया है कि रेल में काफी भीड़ भाड़ है, जब प्लेटफॉर्म पर आकर के गाड़ी रुकती है, मतलब स्टेशन पर आकर के गाड़ी रुकती है, तब रेलगाड़ी के रेल डब्बे के भीतर जो लोग हैं वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि बाहर वाले भीतर ना आ जाए, और भीतर वाले पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि बाहर वाले मतलब किसी तरह डब्बा बाहर किसी कीमत पर अंदर जाना है, बाहर वाले अंदर जाने के लिए ताकत लगा रहे हैं और अंदर वाले बाहर वाले को घुसने ना देने के लिए ताकत लगा रहे। कुछ लोग घुस जाते हैं, फिर गाड़ी वहां से चलती है, जैसे केजरीवाल साहब घुस गए दिल्ली में, फिर गाड़ी वहां से चलती है, तो जब गाड़ी वहां से फिर चलती है तो अब जो बाहर वाला भीतर आ गया है उसकी भूमिका बदल गई है। नहीं, अब वह पुराने भीतर वालों से मिलकर के पूरी ताकत लगा रहा है कि बाहर वाला अंदर ना आ जाए, और बाहर वाला जो है पूरी ताकत लगा रहा है किसी तरह अंदर आ जाए। और हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकली महसूस किया है, समझे, क्योंकि कई बार दिल्ली से स्टूडेंट लाइफ में आना होता था तो रिजर्वेशन नहीं मिला, बिना रिजर्वेशन के चले तो किसी तरह रिक्वेस्ट करके जगह जो है ना लिया, कोई दूसरा आता ना तो इससे पहले की सीट वाला भड़क था हम लोग ही भड़क जाते थे, क्योंकि हमेशा एक खतरा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में हमको भी उठा दे। तो अब अगर आप देखें वर्ल्ड विजन क्या है,
यहां पर आकर के देखें, यहां पर अगर आप आकर के देखें यूएस विजन की बात करूं, अगर अमेरिकी विजन की बात करूं, तो यह किसका सपना देख रहा है? यूनिपोलर वर्ल्ड का। नहीं, अगर चीनी विजन की बात करूं तो इसका सपना क्या है? बाइपोलर वर्ल्ड का। नहीं, और तीसरा अगर आप जाकर के देखें भारत के विजन की बात करूं तो भारत का विजन क्या है? हाथी के दो दांत खाने के कुछ और बात दिखाने के कुछ और हुआ। भारत का विजन है मल्टीपोलर वर्ल्ड का। अब गौर करेंगे और कुछ चीजों को बड़ी आसानी से समझेंगे। इस बार टेस्ट में हमने एक प्रश्न दिया था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज कन्वर्जेंस इन इंटरेस्ट। इन दोनों चीजों ने मिलकर के इंडो चाइना रिलेशन को क्या किया है? कॉम्प्लेक्स बना दिया है। यह प्रश्न डाला था, ठीक है? बहुत लोगों को मतलब ही नहीं समझ में आया इसका। बेसिकली अगर आप जाकर के देखें तो अगर दुनिया को यूनिपोलर बनाना है तो इसके लिए अमेरिका को क्या करना होगा? ऑब्वियसली यहां पर देखेंगे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच है? अमेरिका और चीन के बीच। तो अगर अमेरिका को दुनिया को यूनिपोलर बनाना है तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए चीन को एशिया में उलझाना होगा। चीन को एशिया में उलझाना होगा, नहीं? और चीन को एशिया में उलझाने में कौन मददगार हो सकता है? कौन मददगार हो सकता और कौन सक्षम है? ऐसा करने में भारत सक्षम। भारत सक्षम भी है और ऐसा करने में भारत सहायक भी है। नहीं, इसलिए अगर आप जाकर के देखें एक इक्वेशन यह बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, नहीं? एक इक्वेशन यह बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, नहीं? और दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। नहीं, तो बेसिकली अगर आप देखें कि हम चाहते हैं कि दुनिया मल्टीपोलर हो, चाहते समझे, क्योंकि उसमें हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में कहीं ज्यादा समर्थ होंगे। अरे धैर्य रखे ना। नहीं, अगर किसी एक का ही सिलेक्शन होना है तो आप चाहेंगे और लोगों का सिलेक्शन हो? बोलिए, सही सही बतलाइए, नहीं चाहेंगे? बात वही है। दुनिया अगर यूनिपोलर होगी तो हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे, औरों को भी बाध्य करेंगे।
तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो भारत के लिए है मल्टीपोलर वर्ल्ड, नहीं यूनिपोलर वर्ल्ड से भी हमें उतनी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत, गाना सुने है ना, तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी समझे, तो किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी वाला वाली स्थिति यहां पर है। नहीं कम से कम चीन तो अमेरिका के पैरेलल नहीं ही आवे, और वैसा बाइपोलर वर्ल्ड हमको नहीं चाहिए। नहीं तो ये हमारे विजन है। नहीं तो एक लाइन में कहें वर्चुअली अगर आप जाकर के देखें तो वर्चुअली जाकर के देखें तो हमारा ग्लोबल विजन नहीं है, वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के हम बहुत स्पष्ट नहीं है, कह जो भी रहे हैं लेकिन व्यावहारिक जो स्थिति है नहीं। और व्यावहारिक स्थिति यह है कि अटल जी के समय से अगर आप देखें तो इंडिया और अमेरिका की प्रॉक्सिमिटी जो बढ़ती चली गई, वर्चुअली अगर आप देखें तो हमने जो है, क्योंकि भले ही थोड़ी देर पहले हमने 5 कंट्री की बात की वीटो प्राप्त कंट्री की, लेकिन वो 4 ही कंट्री है, 5वां कंट्री है ही नहीं ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन को देखें कभी अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था, आज के डेट में ब्रिटेन को अगर आप देखें तो ब्रिटेन वही करेगा जो अमेरिका करेगा, अमेरिकी विदेश नीति से स्वतंत्र ब्रिटेन की कोई विदेश नीति आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। नहीं एशियन ऑर्डर के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो एशियन ऑर्डर का कंटेक्स्ट क्या है, तो एशियन ऑर्डर के कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें चीन का विजन क्या है, चीन को कैसा एशिया चाहिए। नहीं तो अगर आप जाकर के देखो तो चीन को यूनिपोलर एशिया चाहिए, और एशिया अगर यूनिपोलर होगा तो स्वाभाविक तौर पर डोमिनेंस किसका होगा, चीन का डोमिनेंस होगा। भारत का एशिया विजन क्या है, भारतीय विजन को अगर आप देखें बाइपोलर वर्ल्ड का विजन है। और अगर आप जाकर के देखें तो अमेरिका का जो यूनिपोलर वर्ल्ड का विजन है, इस यूनिपोलर वर्ल्ड के विजन को बेस सूट कौन सा एशिया विजन करता, बाइपोलर एशिया विजन अमेरिका के लिए सूटेड है। नहीं और यहां पर लेकर के आवे तो पाकिस्तान को कैसा एशिया चाहिए, नहीं तो यहां पर पाकिस्तान की भी वही स्थिति है। अभी जो थोड़ी देर हमने कहा कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तो इसका विजन है मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर एशिया। नहीं अरे कम से कम मल्टीपोलर एशिया हो या ना हो, नहीं किसी भी कीमत पर, या बाइपोलर तो नहीं ही होना चाहिए। ठीक है अगर बाइपोलर और यूनिपोलर में एक चुनना हो तो यह किसको चुनेगा, चॉइस देख रहे हैं ना, बड़ा क्लियर है। नहीं अब अगर फिर वापस लौटे, क्योंकि देखें समझना बहुत आसान है, और अगर चीजों को समझ रहे हैं कोई घटना घट रही है ना तो उसको एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है अगर इस इक्वेशन को समझ रहे हैं। अगेन अगर आप जाकर के देखें साउथ एशियन ऑर्डर की बात करूं
अगर साउथ एशियन ऑर्डर की बात करूं, तो यहां पर अगर हम मूव करें तो साउथ एशिया कैसा चाहिए? नहीं? अगर आप देखें भारत क्या चाहेगा, साउथ एशिया कैसा हो, यूनिपोलर हो। चीन को अगर बाइपोल सॉरी वर्ल्ड यहां लिख दिया, चीन को अगर यूनिपोलर एशिया को इंश्योर करना है, एशिया को बाइपोलर होने से रोकना है, तो उसके लिए चीन को क्या करना होगा? यूनिपोलर साउथ एशिया को चेक करना होगा। हर हालत में चीन को यूनिपोलर साउथ एशिया को चेक करना होगा। अब यहां आकर के देखें पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान क्या चाहेगा? बाइपोलर साउथ एशिया चाहेगा। आप अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो चीन क्या चाहेगा? बाइपोलर एशिया। क्योंकि अगर साउथ एशिया बाइपोलर होगा तो उस स्थिति में चीन भारत को सक्सेसफुली साउथ एशिया में उलझाए रखने में सफल होगा। और जब तक भारत साउथ एशिया में उलझा हुआ है तब तक हुआ एशियन ऑर्डर के बारे में सोच नहीं सकता। जब तक चीन एशिया में उलझा हुआ है तब तक हुआ वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में सोच नहीं सकता। लेकिन चीन को एक और पता है, एक बात और मालूम है ना? पाकिस्तान के अवकाश से भी वाकिफ है? नहीं वाकिफ है यह बात नहीं। उसको पता है कि पाकिस्तान अब धीरे धीरे खत्म उत्तम क्या होगा, खत्म उत्तम नहीं होगा, समझे ना? ये जी न्यूज वाला प्लेटफॉर्म थोड़े है जो कहिएगा खत्म हो जाएगा और ऐसे खत्म होने लगे तो भारत कब का खत्म हो गया होता, नहीं हो गया। लेकिन ये पता है कि जो गैप चीन और भारत के बीच है वैसा ही गैप भारत और पाकिस्तान के बीच है, और इनफैक्ट उससे ज्यादा गैप भारत और पाकिस्तान के बीच। तो चीन को पता है कि ये पाकिस्तान जो है भारत को अपने दम पर अब साउथ एशिया में चेक करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए चीन ने क्या किया, एक विकल्प निकाला, मल्टीपोलर साउथ एशिया। उसने कहा ठहर बेटा, तुमको क्या लग रहा है पाकिस्तान को साइड ही कर दिए तो मुक्त हो गए, रुको इलाज करते। तो अब चीन ने क्या किया कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नहीं भारत के पड़ोसी देशों में अपना इन्फ्लुएंस क्या किया, इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया। और इन्फ्लुएंस भारत के पड़ोसी देशों में बढ़ाते हुए उन्हें अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की और उनके जरिए भारत के लिए परेशानियां खड़ी करने की कोशिश की। आप नेपाल चले जाएं, आप भूटान चले जाएं, आप बांग्लादेश चले जाएं, आप श्रीलंका चले जाएं, आप म्यांमार चले जाएं, आप अफगानिस्तान चले जाएं, मतलब ये चीजें आपको, आप मालदीव चले जाएं। अब बातें समझ में ये आई? अगर आप इस लार्जर कंटेक्स्ट में अगर आप चीजों को देखने की कोशिश करें, तो लार्जर कंटेक्स्ट में जब चीजों को देखने की कोशिश करें तो ग्लोबल इक्वेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कुछ इसी कंटेक्स्ट में निर्मित होते दिखाई पड़ेंगे। नहीं, अगर आप देखें, अभी इस पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की चर्चा आई और कुछ चीजें अभी भी प्रासंगिक हैं, उसको समझ ले। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की चर्चा आई,
स्ट्रिंग ऑफ पर्स का मतलब समझते हैं, मतलब कराची के ग्वादर से बलूचिस्तान के ग्वादर से लेकर के नहीं श्रीलंका के हेम्बन टोटा, इधर से होते हुए कोको आइलैंड म्यांमार, बांग्लादेश के म्यांमार का फिर सितवे, और यहाँ क्या कहते बांग्लादेश नहीं पूरा का पूरा चटगांव बंदरगाह का जो मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, उधर आप चले जाए तो थाईलैंड, इधर मालदीव माली। अब अगर इसके कंटेक्स में जाकर के देखें तो सवाल उठता है ये कहा किसने, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स संज्ञा का प्रयोग किसने किया? तो यह प्रयोग किया अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने, कि चीन जो है भारत, अब इस इक्वेशन को देखें और समझते जाए, और चीन जो कहता है सुने, मैं ये नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत है, लेकिन समझ तो सकते हैं ना। नहीं, चीन ने कहा कि कभी अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत और चीन के संबंध अच्छे हो, वो हमेशा जो है हमें और चीन को लड़ाते, मतलब हमें भारत भारत और को हमारे साथ लड़ाते रहना चाहता है। नहीं, तो अमेरिका ने कहा कि देखो भाई, तुमको घेरने की रणनीति तैयार हो रही है, सजग हो जाओ। भारत को भी लगा, अरे ये तो सही में हमको घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है, तो हमने उसके काउंटरिंग में जो है अपनी स्ट्रेटजी ड्रॉ आउट करनी शुरू की। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बात उतनी रहती तभी ना, उसके बाद अगर आप जाकर के देखें तो OBOR की बात शुरू हुई, वन बेल्ट वन रोड की बात शुरू हुई, ठीक है, वन बेल्ट वन इकोनॉमिक बेल्ट जो है वो आप देखेंगे लैंड रूट्स के थ्रू, चाइना से पाकिस्तान होते हुए जो है उधर सेंट्रल एशिया तक पुराना सिल्क रूट जो था उसके जरिए वन बेल्ट इकोनॉमिक बेल्ट को डेवलप करने की कोशिश हुई, और वन रोड जो है वो मेरीटाइम रूट जो था वही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब लगा, अरे अब नीचे से भी घेर रहा है ऊपर से भी घेर रहा है। नहीं, तो अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें तो हमारी परेशानी फिर वहां बढ़ी। नहीं, अब वह OBOR को ही नाम बदल के क्या कह रहा है, बेल्ट BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नहीं, तो अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखें तो ये बातें तो आ रही हैं, और ये बातें अगर हम तक आ रही हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है ये चीजें भी सही है कि अमेरिका ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें यहां का जो स्ट्रेटजिक इक्वेशन है, यहां का स्ट्रेटजिक इक्वेशन क्या बतलाता है, यहां का स्ट्रेटजिक इक्वेशन और भारत चाइना का बायलैटरल रिलेशन जिस जंक्शन पर है उसमें इस आशंका को खारिज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन एट द सेम टाइम अगर चाइना यह क्लेम कर रहा है कि भाई हमारा हमारी ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है, हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है कि हम जो है रीजनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंश्योर करना चाहते हैं, और इसके लिए हम रीजनल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लार्जर स्केल पर डेवलप करना चाहते हैं अपने फंड उपलब्ध करवा के, तो चाइना के इस क्लेम को भी खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना के BRI के जितने इकोनॉमिक कंसर्न है, रीजनल कंसर्न है, अगर आप देखें तो उतने स्ट्रेटेजिक कंसर्न भी उभर करके सामने आते हैं। अब दिक्कत यह है कि हम कहीं ना कहीं उसके कारण मुश्किलों में फंसे हुए हैं। अब बातें समझ में आई या नहीं? तो ये जो लार्जर इक्वेशन है, इस लार्जर इक्वेशन के कंटेक्स्ट में तो जो बातें मैंने आपको कही, बेसिकली अगर आप देखें तो 1999 से जो भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध है, अगर आप देखें 1999 से 2014 तक की बात करूं तो भारत लगातार अमेरिका की तरफ झुकता चला गया है, लगातार ये टिल्ट दिखेगा। लेकिन जब तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, मतलब एक चीज आप देखेंगे कि कॉशसली हमने चेक एंड बैलेंसेज को मेंटेन किया, कॉशसली चेक एंड बैलेंसेज को हमने मेंटेन किया। अगर आप देखें 2014 के बाद वो जो चेक एंड बैलेंसेस था वो कमजोर पड़ता चला गया, और भारत का अमेरिका की ओर टिल्ट जो है
वो लगातार बढ़ता चला गया, ठीक है। और इस कंटेक्स में अगर आप जाकर के देखें, तो इस पूरे के पूरे कंटेक्स में अगर आप देखें, तो यह बैलेंस जो है वह कहीं ना कहीं गायब होता दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस भारत पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यद्यपि इधर कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, स्पेसिफिक कंटेक्स जब होंगे तो उसमें चर्चा करूंगा, जहां पर उससे बाहर निकलने की भी कोशिश हुई है, विशेष करके यूक्रेन वाला जो मसला है, उस यूक्रेन वाले मसले पर हमने जो वहां पर स्टैंड लिया है। लेकिन यूक्रेन मसले के पहले तक अगर आप देखें तो वो बैलेंस आपको गायब दिखेगा, वो चेक एंड बैलेंस जो है वो आपको गायब होते दिखाई पड़ेंगे। क्लियर? तो अगर इस कंटेक्स में देखें, तो इस कंटेक्स में मैंने वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, और वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हुए हमने कहा कि यह ट्रांजिशनल स्टेज की तरफ बढ़ता दिखाई पड़ा, नहीं कि एक और अमेरिका सोवियत संघ के विघटन और अमेरिका साम्यवादी गुट सोशलिस्ट ब्लॉक का कोलैप्स जो होता, उसको अपने फेवर में कैपिटलाइज करवाने की कोशिश करता और दुनिया पर अपने वर्चस्व को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयत्नशील होता। वहीं दूसरी ओर, क्योंकि और जो भी देश हैं वो ये जान रहे हैं कि हम अपने दम पर, और ये बातें मैं आपके साथ कर रहा, ये बातें मोटा मोटी आप लेकर के चले, इसकी बात जो मैं कर रहा मोटा मोटी आप लेकर के चलें 2008-09 तक की बात कर रहा हूं। 2008-09 तक की मैं बात कर रहा, और 2008-09 तक अगर आप देखें तो यह वह दौर है जिस दौर में एक टर्म क्वाइन किया गया जो बहुत तेजी से उभर करके सामने आता, और वह टर्म क्या है? ब्रिक, जो लेटर ऑन ब्रिक्स में कन्वर्ट होता। तब थोड़ी देर ब्रेक दे दूं, फिर कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? आज इस चीज को क्या सेलेस जी, क्या थक गए हैं क्या? नहीं, इत आप नहीं थकिएगा ना, वो बेचारे उनका 4 घंटा हो गया है, समझे क्या? छुट्टी चाहिए अनिमेश, थोड़ा सा 4-5 दिन केवल कष्ट करो, मेरे लिए भी बहुत परेशानी भरा समय है, समझे? क्योंकि मुझे हर एक दिन कटेगा ना तो मैं भी सोचूंगा चलो आज का दिन कट गया, समझे? क्योंकि नॉर्मल क्लास लेना और करेंट का क्लास लेना जो है, मतलब क्लास में आने के पहले तक लास्ट तक लगता है कुछ और देख लो, कुछ और देख लो, कुछ और देख लो। हाँ, 1-2 दिन निकल जाएगा ना तब थोड़ी राहत होगी, क्योंकि तब तक मैं सरप्लस में पहुंच जाऊंगा तो फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास होता है तो आपके लिए चीजों को एनालाइज करना आसान होता। तो 15 से 20 मिनट का गैप दूंगा, फिर हमें स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो मेरी जो चर्चा चल रही थी आपके साथ वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रांजिशन के ऊपर, और वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रांजिशन के ऊपर जो हमारी चर्चा आपके साथ हो रही थी, उस ट्रांजिशन को समझना महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस कंटेक्स में ये बातें इमर्ज करती हैं, दरअसल ब्रिक्स जो है वह किस चीज को इंडिकेट करता? अभी थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड की बात की, नहीं? ब्रिक्स जो है थर्ड वर्ल्ड में एक नए वर्गीकरण की ओर इशारा करता है,
देखें है क्या, कई बार आप लोग ये मान करके चलते कि अरे ये तो करंट को डिस्कस कर रहे हैं, इसकी हमारे लिए क्या उपयोगिता है। वो तो जो मेंस दे रहे होंगे ये उनके लिए उपयोगी है क्या, समझे। और अगर आप देखें तो ये दवा है जो अगर असमय खा लेंगे तो बातर कर जाएगा। अगर करंट अभी पढ़ लिए तो बातर ही करेगा ना, नहीं। और बीपीएससी फिर आगे मौका देने नहीं जा रही है करंट पढ़ने के लिए क्योंकि प्री में आपको मौका मिलने नहीं जा रहा है। प्री के पहले अभी से जो है, मतलब मैं ये कह सकता 97% बच्चे ऐसे होंगे जो प्री में होंगे, ठीक है। देख रहे हैं ना, जगह जगह देखता हूं लुसेंट के क्लास शुरू हो रहे हैं, उसके पोस्टर, और लुसेंट का क्लास करने उतने ही प्रेम से आप लोग जाते हैं, नहीं? तो मुझे तो लग रहा है कि क्रैश कोर्स का, मैराथन कोर्स का भी अंतिम ही बैच होगा, इसके बाद मैराथन कोर्स फिर शायद संभव ना हो। कि 23 दिन 24 दिन के बाद अगर बीपीएससी मेंस लेगी रिजल्ट के बाद, नहीं? रिजल्ट के पहले तो आप लोग जो है गेंडा और के जो है एकदम सोए रहिएगा, और रिजल्ट के बाद हम भी चाह करके तब मदद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखें इस चीज को समझे, एक नया क्लासिफिकेशन इमर्ज करता है, और ये नया क्लासिफिकेशन जो इमर्ज करता है वह ग्लोबलाइजेशन की पृष्ठभूमि में, ग्लोबलाइजेशन का बैकग्राउंड है। इसने क्या किया, विकासशील देशों में कुछ देश जिसकी जिनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत थी या जिनमें संभावनाएं थी, ग्लोबलाइजेशन ने उनको बेनिफिट पहुंचाया, और अब वे अपनी पहचान किस रूप में बनाते हुए आते हैं, अब ये इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में अपनी पहचान बनाते, नहीं। अगर ओवरऑल कहूं तो यह ब्राजील, बी ब्राजील को रिप्रेजेंट करता, आर रूस को रिप्रेजेंट करता है, आई जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, सी चाइना को रिप्रेजेंट करता है, और एस साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। पहले ब्रिक्स था, अभी थोड़ी देर पहले साउथ साउथ कॉपरेशन में मैं इवसा की चर्चा कर रहा था। बेसिकली अगर आप देखें, जब तक ब्रिक होता तब तक ब्रिक्स के पैरेलल इवसा भी एग्जिस्ट कर रहा होता। जैसे ब्रिक्स ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, ब्रिक्स में, जैसे ब्रिक ब्रिक्स में ट्रांसफॉर्म होता है, इवसा अपने आप क्या होता, इररिलेवेंट होता चला जाता है। क्योंकि इवसा के जो तीन देश हैं, तीनों के तीनों देश ब्रिक्स के हिस्से, और ब्रिक्स एक लार्जर प्लेटफॉर्म को क्रिएट करता हुआ। बेसिकली यहां पर आपको समझना है, समझना क्या है, ये इस सदी के पहले दशक में अगर फर्स्ट डिकेड की बात करूं, ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी,
तो दो चीजें होती हैं, वार ऑन टेरर इन अफगानिस्तान, और दूसरी चीज अगर आप जाकर के देखें तो सेकेंड गल्फ क्राइसिस या सेकेंड गल्फ वार इराक के अगेंस्ट। इसने क्या किया, इसने पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को डिस्टर्ब किया, और उस डिस्टर्बेंसेज के कारण क्या होता, क्योंकि यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो ब्राजील और रूस की जो अर्थव्यवस्था है अगर आप यहां पर जाकर के देखें तो यहां पर आप क्या पाएंगे, ब्राजील और रूस जो है, क्योंकि इसके कारण क्या होता, ऑयल प्राइसेज जो हैं इसमें उछाल आता है, तेल की कीमतों में उछाल आता है, और तेल की कीमतों को में अगर उछाल आता है तो तेल की कीमतों में उछाल के क्रम में प्राइम बेनिफिशियरीज कौन होते, इनका सीधा इसका सीधा लाभ जो है ब्राजील को मिलता है और रूस को मिलता है। पुतिन का इमरजेंस देखिए, पुतिन का आगमन, तेल की कीमतों में उछाल, रूस की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से मजबूती मिलना, और यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे अभी की स्थिति को समझने में यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, रसिया भले यूएसएसआर का विघटन होता, रसिया इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कमजोर पड़ता है, इस फेज में आकर के अगर आप देखें तो चाइना भले ही इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है लेकिन अभी भी अगर आप जाकर के देखें सुपर पावर के रूप में अमेरिकन डोमिनेंस को चैलेंज करने में जितना रशिया सक्षम है उतना चाइना सक्षम नहीं है, क्योंकि रशिया इकोनॉमिकली चाहे जितना कमजोर हुआ हो, रशिया को अगर आप जाकर के देखें तो रशिया उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी को देखें, उसके नेवल पावर को देखें, उसकी स्पेस टेक्नोलॉजी को देखें, उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी को देखें, उसके मेरिटाइम प्रेजेंस को देखें, तो इन तमाम स्तरों पर अभी भी उसके न्यूक्लियर पावर को देखें, तो इन तमाम स्तरों पर देखेंगे रसिया अभी भी नेक टू नेक फाइट देने की स्थिति में है अमेरिका को, उसकी इकोनॉमी कमजोर पड़ी थी, और उसकी इकोनॉमी कमजोर पड़ी थी तो कहीं ना कहीं उसे समझौता अदर जगहों पर भी करना पड़ा, तो स्वाभाविक तौर पर अगर इकोनॉमिक रिवाइवल होगा तो उस इकोनॉमिक रिवाइवल के साथ हुआ क्या करेगा, उस इकोनॉमिक रिवाइवल के साथ वह अपने लॉस ग्राउंड को रिगेन करने की कोशिश करेगा, सुपर पावर के रूप में उसका जो पोजीशन है उस पोजीशन को हुआ क्या करेगा, उस पोजीशन को हुआ रिगेन करने की कोशिश करेगा, उस पोजीशन को हुआ रिटेन करने की कोशिश करेगा। अब बातें समझ रहे नहीं? अगर आप देखें तो एक इधर ब्राजील और रसिया इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस से बेनिफिटेड होते, दूसरी ओर इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका, इसको ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, इसको ग्लोबलाइजेशन ने उसकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया, और जैसे जैसे इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है वैसे वैसे स्वाभाविक तौर पर एस्पिरेशंस क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह हुआ दौर है जिस दौर में ब्रिक्स इकोनॉमी मजबूती से उभर रही है, और ब्रिक्स इकोनॉमी मजबूती से नहीं उभर रही है,
बल्कि ब्रिक्स इकोनॉमी मजबूती से उभरते हुए कहीं ना कहीं अमेरिकन जो यूनिपोलर वर्ल्ड की अमेरिकी चाह है उसको चैलेंज भी कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि दुनिया अब किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो लास्ट वन डिकेड जो है ब्रिक्स इकोनॉमी के लिए क्या रहे, पिछला एक दशक जो है ब्रिक्स इकोनॉमी पर भारी पड़ता है, क्यों भारी पड़ता है, भारी पड़ने का कारण तो ब्रिक्स इकोनॉमी ने क्या किया, लॉस्ट इट्स ग्रोथ मोमेंटम, इसने अपना ग्रोथ मोमेंटम खोया और वेरियस कारणों से खोया। अगर आप देखें इंडिया की बात करें, अगर आप ब्राजील की बात करें, अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें, अगर आप देखें तो यहां पर स्लो डाउन की स्थिति दिखाई पड़ती है। यहां पर अगर आप जाकर के देखें इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की स्थिति दिखाई पड़ती है, और अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, इधर अगर आप जाकर के देखें चीन के कंटेक्स में बात करूं तो चाइना के कंटेक्स में देखें तो ग्रोथ उसका भी ईजीआर प्रभावित होता, बट वहां देखें चीन की इकोनॉमी अभी भी क्या है, अभी भी मजबूत स्थिति में है नहीं? और रूस को देखें, रूस के द्वारा आपने ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखना, आज के कंटेक्स्ट में देखें ब्रिक्स की चर्चा होती है, पहले जितनी होती थी, आज के डेट में ब्रिक्स की चर्चा नहीं होती। आज के डेट में जिस इक्वेशन पर चर्चा होती है वो ये इक्वेशन क्या है, चीन और रूस की जुगलबंदी की चर्चा होती। ब्रिक्स जो है अगर इसको देखें तो यह पृष्ठभूमि में जाता दिखाई पड़ रहा, ब्रिक्स पृष्ठभूमि में जाता दिखाई पड़ रहा है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के आप देखें नहीं,
ये चीजें, मतलब अगर ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन बात करूं तो आगे की चीजें आसान नहीं होने जा रही। एक समय ऐसा था जब अमेरिकन डॉलर को यूरो के जरिए रिप्लेस करने की बात चली। एक ऐसा समय था चीन की मुद्रा जो है युआन जो है रेमिनबी जो है उसको इंटरनेशनल करेंसी के रूप में मान्यता प्रदान करवाने की बात चली। बड़ी चर्चा इस पर हुई, लेकिन ये चीजें पहले से मालूम थी, ऐसा नहीं होने जा रहा। क्यों ऐसा नहीं होने जा रहा? क्योंकि चीन खुद नहीं चाहेगा ऐसा हो कि अगर चीनी युआन को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया जाता तो चीन ने जानबूझ करके अपनी मुद्रा को जो कमजोर रखा है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, चीन की पूरी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखें ग्लोबल सप्लाई चेन पर चीन का डोमिनेंस है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का नियंत्रण है। तीसरी बात ध्यान रखें, जब 2008-09 की वैश्विक मंदी आई और जब उस वैश्विक मंदी के आलोक में चर्चा शुरू हुई तो उस वैश्विक मंदी के लिए चीन को भी जिम्मेवार ठहराया गया। और चीन को क्यों जिम्मेवार ठहराया गया? क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी डेफिसिट इकोनॉमी थी और चीन की इकोनॉमी सरप्लस इकोनॉमी थी। चीन की इकोनॉमी सरप्लस इकोनॉमी थी जबकि अमेरिकी इकोनॉमी डेफिसिट इकोनॉमी थी, घाटे की अर्थव्यवस्था थी, नहीं? और अगर आप देखें तो चीन के सरप्लस ने अमेरिका के कंटेक्स्ट में रिसोर्स फाइनेंसिंग में अहम भूमिका निभाई। मोर देन $1 trillion अमेरिकी डॉलर का चाइना का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में था, और इसलिए देखेंगे दो तीन बातें सुनेंगे। 2008-09 की मंदी की पृष्ठभूमि में क्या कहा गया? अमेरिकन को मैसेज दिया गया कंज्यूम लेस सेव मोर, मतलब उपभोग को थोड़ा कम करो और बचत को बढ़ाओ। लेकिन चाइना के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन का मैसेज अलग था। चाइनीज के लिए, चाइनीज इकोनॉमी के लिए मैसेज क्या था? कंज्यूम मोर सेव लेस, उपभोग ज्यादा करो बचाओ कम। क्योंकि बिना इन दोनों के ग्लोबल इकोनॉमी की रिबैलेंसिंग संभव नहीं होती, वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलन की पुनर्बहाली संभव नहीं होती। और आज के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, एक टर्म बार बार सुनते होंगे, ट्रेड वार होगा नहीं। ट्रेड वार में होना विशेष कुछ नहीं है, नहीं? जैसे बायकॉट चाइना कह करके आवाज हम जितनी लगा लें, फेसबुक पर सक्रियता जितनी दिखा लें, लेकिन बायकॉट चाइना को फ्लोर पर उतारने की सामर्थ्य हम में नहीं है। यह एक हार्श रियलिटी बतला रहा हूं। और जिस दिन उसको फ्लोर पर उतारने की हम कोशिश करेंगे उस दिन हमारा इकोनॉमी कोलैप्स करने की कगार पर पहुंच जाएगा। यह एक हार्श रियलिटी है। मतलब कई इंडस्ट्री जो है जो चाइनीज रॉ मटेरियल पर बेस्ड है, आपको अल्टरनेटिव मिलेगा तभी तो, ठीक है? तो अगर आप देखें ना, अमेरिका के पास चीन के विकल्प है ना चीन के पास अमेरिका के विकल्प है। क्या अमेरिका के अलावा कोई ऐसी इकोनॉमी है जो मोर देन $1 trillion को एब्जॉर्ब कर सके? अठेठ देसी में अगर कहूं तो आज अगर 500 करोड़ अचानक 500 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो संभावना किस बात की होगी? संभावना होगी कि आपको
किसी मेंटल असाइलम में, और आप ही की बात नहीं कर रहा, अपनी भी बात कर रहा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसी को ठेठ देसी में कहता हूं, हर चीज, हर आदमी की एक औकात होती, हर इकोनॉमी की एक औकात होती। रिसोर्सेज का ना होना अगर समस्या है तो सरप्लस रिसोर्सेज का भी होना एक समस्या है, जिसको इंडिया ने और इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने नोटबंदी की पृष्ठभूमि में देखा है। तो अगर उस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, तो अब आप जाकर के देखें इस ग्रोथ मोमेंटम के टूटने के कई सारे कारण रहे, जैसे 2008-09 की जो वैश्विक मंदी रही उसका इंपैक्ट जैसे तैसे उसको फेस भी किया नहीं, उसके बाद कई सारे, इंडिया के कंटेक्स में बात करूं, कई सारे इंटरनल रीजन रहे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं, उधर अगर आप चले जाएं तो यूरोजोन क्राइसिस, अमेरिकन क्राइसिस के बाद आता, यूरोजोन क्राइसिस की पृष्ठभूमि में जाकर के देखे डबल डिप रिसेशन का भय आता है। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी के लिए लास्ट वन डिकेड जो है बड़े पेनफुल रहे, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी लगातार प्रिवेल करती रही नहीं, और बचा खुचा काम किसने कर दिया, बचा खुचा काम हमने नोटबंदी जीएसटी के जरिए किया, और एक कोविड तो है ही। तो अगर इस पूरे के पूरे कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो यह हुआ बैकग्राउंड है जिसमें ब्रिक्स में इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका अपने मोमेंटम को लूज करते दिखाई पड़ते, जबकि रसिया और चाइना, अगर आप देखें इस पूरे लास्ट वन डिकेड रसिया की फॉरेन पॉलिसी को देखें, रसिया की फॉरेन पॉलिसी को, यूक्रेन क्राइसिस के कंटेक्स्ट में आगे मैं चर्चा करूंगा, कम से कम आप देखें पिछले 10-12 वर्षों के दौरान रसिया जो है बाह्य मोर्चे पर 4 से 5 बार उलझता दिखाई पड़ा है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन जो है यह पहली घटना है, इसके पहले भी क्रीमियम वार के रूप में जाकर के देखें, उसके पहले जॉर्जियन क्राइसिस में जाकर के देखें, और अभी भी भारतीय वामपंथियों का धर्म है कि रसिया जो है साम्यवादी है, कम्युनिस्ट है, चीन कम्युनिस्ट है। तो अगर इस लार्जर कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, तो लार्जर कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो मैंने जस्ट यह बताने की कोशिश की कि यह जो ट्रांजिशनल स्टेज है, जो यूनिपोलर और मल्टीपोलरिटी के बीच दुनिया झुलती हुई दिखाई पड़ रही थी, एक डिफरेंट कंटेक्स में जहां ब्रिक्स उस मल्टीपोलरिटी को रिप्रेजेंट करता आ रहा था, एक बार चीजें फिर से किस दिशा में शिफ्ट करती दिखाई पड़ती, चाइना के भी अपने लिमिटेशन है, रसिया के भी लिमिटेशन है, यह कॉम्बिनेशन डेडली हो सकता अमेरिका के लिए, इस कॉम्बिनेशन की काट नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप जाकर के देखें ग्लोबली, अगर आप जाकर के देखें अफगानिस्तान में जाकर के देखें तो रसिया, चाइना, यूनाइटेड एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद दिखाई पड़ेंगे, तालिबान के साथ अंडरस्टैंडिंग में काम कर रहे हैं नहीं, अगेन वहां से बाहर जाकर के देखें, कहीं पर भी चले जाए, मिडल ईस्ट में कहीं भी चले जाए, कोई भी मसला उभर करके आ रहा है, आप देखें रसिया चाइना, और रसिया चाइना के साथ ईरान और पाकिस्तान, इनका कॉम्बिनेशन इमर्ज करता दिखाई पड़ता, और यह कॉम्बिनेशन मिडल ईस्ट के रीजनल इक्वेशन को क्या कर रहा है, मिडल ईस्ट के रीजनल इक्वेशन को यह डेडली बना रहा है। और इसके कारण अगर आप देखें तो वर्चुअली अगर आप जाकर के देखें तो मिडल ईस्ट में अब एक नए समीकरण इमर्ज कर रहे हैं, अरब राष्ट्रों के प्रति, मैं चर्चा करूंगा डिटेल में, अरब राष्ट्रों के प्रति इजराइल की नीति बदल रही है या नहीं, अरब राष्ट्रवाद विभाजित हो रहा है या नहीं, फिलिस्तीन का मसला वो लगातार कमजोर पड़ रहा है या नहीं,
नहीं, और एक नए इक्वेशन के जरिए, और इस नए इक्वेशन में अगर आप देखें तो इस नए इक्वेशन में देखेंगे भारत के लिए निगेटिव भी है और भारत के लिए पॉजिटिव भी है, दोनों प्रकार की चीजें आपको मिडिल ईस्ट में दिखाई पड़ेंगी। सऊदी अरबिया के साथ, सऊदी अरबिया के साथ संबंधों का सुधरना, सऊदी अरबिया इजराइल और अमेरिका का जो समीकरण है, और वह समीकरण मिडिल ईस्ट के इक्वेशन को जो प्रभावित कर रहा है, कहीं ना कहीं भारत भी उस इक्वेशन के ज्यादा करीब है, उसके करीब खड़ा दिखाई पड़ रहा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो ईरान के फ्रंट पर भारत की मुश्किलें बढ़ रही, अफगानिस्तान के फ्रंट पर भारत की मुश्किलें बढ़ रही, और आने वाला समय भारत के लिए आसान नहीं होने जा रहा। और इसके संकेत अगर आप जाकर के देखें तो बहुत पहले मिलने लगे थे। अभी भी मैं रिकॉल कर पा रहा हूं 2009 में अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा चुने गए, और अमेरिका में फर्स्ट ऑफिशियल विजिट जो है किसी फॉरेन इसका हुआ था, तो वो थे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के अमेरिका विजिट के पहले ओबामा का चाइना विजिट हुआ था, ये नवंबर लास्ट वीक, और मनमोहन सिंह के विजिट दिसंबर फर्स्ट वीक में हुए थे। तो जब ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया चीन और अमेरिका के द्वारा, तो उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया गया था जो भारत के लिए ऑफेंडिंग था, और भारत ने शार्पली रिएक्ट किया था। तो जब मनमोहन सिंह यहां से एयरफोर्स के विमान से जा रहे थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था अमेरिका को लक्षित करते हुए कि एट फर्स्ट अमेरिका शुड डिसाइड व्हाट इज प्रिफरेबल टू इट, वेदर इट इज चाइनीज ग्रोथ और इंडियन डेवलपमेंट। स्पष्ट शब्दों में मनमोहन सिंह ने कहा था, ठीक है। और अगर इस कंटेक्स्ट में कहूं तो पूरे के पूरे इस पूरे कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो अनडाउटेडली अगर आप देखें तो मैं कहना चाहूंगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने एक गोल्डन फेज को देखा। कम से कम अमेरिका के मोर्चे पर 2008 से 2014 के दौरान न्यूक्लियर डील हुआ, और न्यूक्लियर डील उन शर्तों पर हुआ जिन शर्तों पर भारत चाहता था, ठीक है। और अमेरिका को चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी भारत की शर्तें वहां पर माननी पड़ी थी। तो अगर आप जाकर के देखें नरसिम्हा राव के समय जो रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी की ओर ओरिएंटेशन आपको दिखाई पड़ता, अटल जी के समय अमेरिका के साथ जो संबंधों के एक नए युग की शुरुआत होती है उसका क्लाइमैक्स इंडो अमेरिकन न्यूक्लियर डील था। उसमें किसी एक पार्टी और किसी एक सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं था, वो ओवरऑल इंडिया का अचीवमेंट था, हासिल था। तो अगर उस कंटेक्स में जाकर के देखें, आप अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर वापस मैं आता हूं लास्ट थ्री डिकेड जो है अगर लास्ट थ्री डिकेड की बात करूं पिछले तीन दशकों की बात करूं तो पिछले तीन दशकों के बारे में यह कहना चाहूंगा कि यह ग्लोबल ऑर्डर के डेमोक्रेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ग्लोबल ऑर्डर, किस सवाल यह उठता है या किस कंटेक्स में ग्लोबल ऑर्डर के डेमोक्रेटाइजेशन को रिप्लेस करता, इस डेमोक्रेटाइजेशन की व्याख्या हम कहां से करेंगे। तो अगर आप मूव करें तो
पहला मेजर डेवलपमेंट है गैट की जगह WTO। WTO 1995 में WTO गैट को रिप्लेस करता है नहीं? और अगर आप देखें WTO के कंटेक्स में अगर बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी यह डेमोक्रेटिक है और इसकी फंक्शनिंग भी क्या है, इसकी फंक्शनिंग भी अगर आप जाकर के देखें, इसकी फंक्शनिंग भी डेमोक्रेटिक है। वन नेशन वन वोट के कॉन्सेप्ट पर यह बेस्ड है। दूसरे कंटेक्स से अगर आप जाकर के देखें नहीं, G7+1 की जगह G20 और इसके लिए जो टर्म मैं यूज करना चाहूंगा, मैं 1999 की बात नहीं करूंगा, मैं बात किसकी करूंगा 2008 की बात करूंगा। नहीं, तीसरे कंटेक्स्ट में जिसकी चर्चा करना चाहूंगा वह है वर्ल्ड बैंक IMF रिफॉर्म। ये मेरे ख्याल से 2011 के आसपास की बात है, ठीक है। और इसमें क्या होता, वेस्टर्न कंट्री के वोट्स के वेटेज जो हैं कम होते हैं। और इसके पैरेलल जो है इंडिया, चाइना और अदर इमर्जिंग इकोनॉमी जो है, इनके वोट के भारांश में क्या होती, वृद्धि होती। अगेन इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो एक और डेवलपमेंट की चर्चा करूंगा और वह क्या है, इंडियाज एंट्री इन न्यूक्लियर वर्ल्ड। भारत को भले ही नाभिकीय शक्ति संपन्न देश का दर्जा नहीं मिलता ऑफिशियली नहीं, लेकिन नाभिकीय कारोबार की दुनिया में उसको एंट्री दी जाती है। और यह जो एंट्री दी जाती है वह NPT और CTBT पर विदाउट सिग्नेचर, तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें,
इस कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो विशेष करके मैं कहूंगा भारत के संदर्भ में, भारत का आर्थिक कद और भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद ये दोनों बढ़ता है। आर्थिक कद के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें 2008-09 के बाद, मतलब फ्रेंकली अगर पूछे तो ये बहुत बड़ी परिघटना है। 2008-09 के बाद देखें आरबीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख कायम करना, आज वह आरबीआई की साख नहीं है, आज आरबीआई का वह इमेज नहीं है, आज आरबीआई का वह स्ट्रक्चर नहीं है जो उस समय निर्मित हुआ था। फ्रेंकली अगर पूछे तो पिछले 9 वर्षों के दौरान आरबीआई की क्रेडिबिलिटी और आरबीआई का इमेज दोनों डिमोलिश हुआ है। मतलब लगभग 17-18 वर्षों तक जिस आरबीआई और फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन को लेकर के आरबीआई का जो रुख था उसका लगातार विकसित देशों ने विरोध किया, उसके लिए आरबीआई की आलोचना की 2008-09 की जो वैश्विक मंदी का आगमन होता, जिस तरीके से उस सिचुएशन को आरबीआई ने हैंडल किया, समझे, पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है। और इसलिए देखेंगे सेंट्रल बैंक के रूप में, अमोंग द सेंट्रल बैंक्स एट इंटरनेशनल लेवल, आरबीआई ने अपनी अलग साख हासिल की। उस फेज में भी जाकर के देखें, रघुराम राजन की बात आती है जो बाद में आरबीआई के गवर्नर बने, उस समय आईएमएफ में थे। जब 2008-09 में जाकर के देखेंगे क्राइसिस आया तो आईएमएफ ने यह तलाशना शुरू किया कि आखिर हम इसको प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाए, और जब तलाशने की कोशिश की गई तो 2005 में रघुराम राजन जो है एक समिति को हेड कर रहे थे, उस समिति ने 2005 में यह प्रिडिक्ट किया था अपनी रिपोर्ट में कि अगर समय रहते चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की गई तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एक बड़े क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है। और वहां से आप देखेंगे रघुराम राजन वहां से चमकते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट के रूप में, इकोनॉमिक एक्सपर्ट के रूप में। अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें बट मतलब चीजें डेमोक्रेटाइज हो रही हैं, लेकिन समस्या क्या है, समस्या यहां पर क्या है, अच्छा यहां पर एक बिंदु और आप ऐड कर लेंगे, आईएमएफ, यूरोपीय प्रमुख और वर्ल्ड बैंक अमेरिकी प्रमुख की अनिवार्यता समाप्त। अगर आप यहां पर आकर के देखें समस्या क्या है, अभी भी सबसे बड़ी चुनौती क्या है,
अभी भी पहली चुनौती है यूएनओ रिफॉर्म, ये बहुत बड़ी चुनौती है। यूएनओ के स्ट्रक्चर, यूएनओ की जो फंक्शनिंग है, यूएनओ के भीतर जो है जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली और इनके बीच जो रिलेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिलेशन, यूएनओ का स्ट्रक्चर जो है आज के डेट में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वह 19 लास्ट टाइम रिफॉर्म हुआ था 1960 के दशक के आरंभ में, या 1960 अर्ली 1960s के जो है वर्ल्ड की रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आज देखें उस समय और अभी में कितने साल गुजर गए, 6 दशक से ऊपर हो चुके हैं, ग्लोबल रियलिटी बदल चुकी है, इकोनॉमिक रियलिटी भी बदल चुकी है और पॉलिटिकल रियलिटी भी बदल चुकी है, लेकिन नहीं बदला है तो यूएनओ, नहीं बदला है तो यूएनओ का स्ट्रक्चर, नहीं बदला है तो यूएनओ की फंक्शनिंग। आज के कंटेक्स्ट में भी अगर आप जाकर के देखें, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, अभी भी अगर आप देखें इन सुधारों के बावजूद इनका अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है, अनडेमोक्रेटिक फंक्शनिंग बनी हुई है। तीसरा कंटेक्स अगर आप जाकर के देखें, और कहां पर समस्या है, अगर यूनो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के बाद अगर हम जाकर के देखें तो अगली जो समस्या उभर करके आ रही है, अभी भी अगर आप जाकर के देखें डब्ल्यूटीओ के फ्रंट पर, अभी भी जाकर के देखें यूएनएफसीसी के फ्रंट पर, यूएन फ्रेमवर्क ऑन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंजेस के फ्रंट, अभी भी वहां पर जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं भले ही चीजें डेमोक्रेटिक हों, नहीं, लेकिन वो चीजें जो है अभी भी अगर आप देखें तो डेवलपिंग इकोनॉमी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि जितना विलंब होगा क्लाइमेटिक चेंजेज के फ्रंट पर चैलेंजेज को रिस्पॉन्ड करने में, उतनी बड़ी कीमत किनको चुकानी पड़ेगी, डेवलपिंग इकोनॉमी को चुकानी पड़ेगी। अगेन अगर आप जाकर के देखें P5 कंट्री जो है नाभिकीय शक्ति संपन्न, अभी भी अगर आप जाकर के देखें, चाहे एनपीटी की बात करें या तो अगर अभी भी अगर आप जाकर के देखें तो वो डेवलपिंग वर्ल्ड के इंटरेस्ट को के प्रति कंसर्न्ड नहीं है, जितना कंसर्न वहां पर होना चाहिए, जो कंसर्न्ड होना चाहिए, क्योंकि वह डिफ्रेंशिएट करता है नाभिकीय संपन्न शक्ति संपन्न देश और जिनके पास नाभिकीय शक्ति नहीं है, दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट करता है, तरह तरह के रेस्ट्रिक्शन को इंपोज करता है गैर नाभिकीय शक्ति शक्तियों के ऊपर, लेकिन नाभिकीय शक्तियों को वह खुली छूट प्रदान करता हुआ आता। तब मेरे कहने का मतलब है ये लार्जर कंटेक्स्ट है, जिस लार्जर कंटेक्स्ट को इवन अगर आप जाकर के देखें, समस्या और भी है, समस्या आप चले जाएं ग्लोबलाइजेशन के फ्रंट पर है,
अब आज तो नहीं, कल मैं चर्चा करूंगा। एक टर्म प्राइम मिनिस्टर ने यूज किया है ग्लोबल साउथ समिट में, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, मानव केंद्रित वैश्वीकरण की बात की है। और उन्होंने कहा है कि ह्यूमन ग्लोबलाइजेशन ऐसा हो जो ह्यूमन सेंट्रिक हो, क्योंकि यह ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन है जो ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट के प्रति सेंसिटिव होगा, जो ग्लोबल साउथ के कंसर्न के प्रति सेंसिटिव होगा, उसके प्रति वह रेस्पॉन्सिव होगा। जब तक ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं होता, नहीं, अपनी सुविधा के हिसाब से हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते और अपनी सुविधा के हिसाब से हम किधर बढ़ जाते, नहीं, हम जो है इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ जाते और अपनी सुविधा के हिसाब से हम किसकी तरफ बढ़ जाते, ट्रेड वार की तरफ बढ़ जाते। अब कहां तक चीजें इवॉल्व करेंगे, क्योंकि ग्लोबल साउथ समिट वहां से प्रश्न की संभावना बनती है, वहां पर कई चीजें उभर करके सामने आई है उस समिट में। और अगर ग्लोबल साउथ समिट में कई सारी चीजें उभर करके सामने आई हैं, तो सवाल यह उठता, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब चीजें चर्चा में आ रही हैं, एक बार फिर से कहूंगा, इशू को पकड़िएगा, इशू को पकड़िएगा। जैसे पूरे के पूरे ग्लोबल साउथ समिट में बात करूं, नेम की चर्चा फिर से आई है, नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। दो तरह के प्रश्नों की संभावना वहां से बन सकती है, शॉर्ट नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से संभावना ज्यादा है, वर्तमान संदर्भ में नाम की प्रासंगिकता या गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, ठीक है। भारत के हिस्से जो है G77 की अध्यक्षता है, और G77 को लंबे समय से भारत इग्नोर कर रहा था, तो संभावना यह भी उभर करके आती है कि G77 समिट पर जो है, या तो G77 या G77 की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता वहां से प्रश्न उठा करके पूछता है, क्योंकि प्रश्न इसी तरह से बनते हैं, प्रश्न वहां से अलग से नहीं बनते। तो कम से कम जो है 5.7 पॉइंट दोनों के कंटेक्स में आपके पास ऐसे होने चाहिए कि खुदा ने खास्ते चीजें वहां से उठा करके पूछे, क्योंकि हर चीज तो क्लास में नहीं करवाया जा सकता ना, संभव है क्या? खुदा ने खास्ते प्रश्न अगर वहां से उठा करके पूछ दिया, तो आप उन प्रश्नों को रेस्पॉन्ड करने की स्थिति में हो। नहीं, तीसरा कंटेक्स है, जैसे मैंने विस्तार के साथ आपके साथ साउथ साउथ कॉपरेशन की चर्चा की, साउथ साउथ कॉपरेशन का प्राइम मोटो क्या है? साउथ साउथ कॉपरेशन का प्राइम मोटो है डेवलपिंग कंट्री को नॉर्थ का अल्टरनेटिव प्रदान करना, नॉर्थ का अल्टरनेटिव प्रदान करना, ताकि वे टर्म एंड कंडीशन पर अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को रीडायरेक्ट कर सके। एंड एट द सेम टाइम इसके माध्यम से उसका पर्पस क्या है? डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर करना। तो साउथ साउथ कॉपरेशन भी उठा करके डाला जा सकता है, क्योंकि चर्चा प्रश्न इसी के इर्द गिर्द रहनी है। और अगर मुझसे पूछे तो इस वर्ल्ड ऑर्डर पर अगले 3 भी क्लास लेने हो तो, और 2 को भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि डायमेंशन कितने फैल रहे हैं देख रहे हैं ना। कहने के लिए ये एक वर्ल्ड ऑर्डर है। यहां तक में कोई प्रश्न? बताइए,
अरे छोड़िए ना, सब चीज जानना जरूरी थोड़े है। तो आज यहीं पर रोकूंगा, कल इन तीन चार टॉपिक को हम कवर करेंगे, क्योंकि आज जो इस पर आइडिया देना था, एक ओवरऑल आइडिया वर्ल्ड ऑर्डर पर हमने दे दिया। कल यूएन रिफॉर्म सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर ग्लोबल साउथ समिट में जो डेवलपमेंट हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तीसरा जो कल हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, G20, G20 और भारत, भारत की को जो प्रेसिडेंटशिप मिली है, तो उस प्रेसिडेंटशिप के कंटेक्स्ट की चर्चा करेंगे। रेस उसके बाद मुझे लगता दो और इशू इसके बीच रहेंगे जिनको हमें डिस्कस करना होगा। एक यूक्रेन क्राइसिस अभी भी महत्वपूर्ण है। लास्ट ईयर यूक्रेन क्राइसिस से प्रश्न तो नहीं था, प्रश्न था तो छोड़ा जा सकता है इसको। क्लाइमेटिक चेंज को तब हम कवर कर लेंगे, ठीक है। COP 27 को कवर कर लेंगे, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी मोटा मोटी परिचित होंगे, जब मिडल ईस्ट हम डिस्कस करेंगे ना, मध्य पूर्व डिस्कस करेंगे, तो एनर्जी सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट की चर्चा हम वहीं पर करेंगे, ठीक है। क्लियर? तो आज इतना ही रहने दें, थैंक यू।